मॉर्निंग सेशन में आपने जो अपना कीमती समय निकाला हुआ है, उम्मीद करता हूँ कि याद से आप मेरे को एक अवधारणा सुनेंगे और सुनने के बाद में आपको पता है बहुत ही बढ़िया तरीके से जिसका लाइफ में अपन कर सकते हैं कि भाई परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तन इस तरह हो सकता है कि मैं अपने लाइफ में अगर हम कोई भी चीज के लिए अगर सोचेंगे, सोचने के बाद में कृति करेंगे, उसके ऊपर एक्शन करेंगे तो 100% क्या होता है, परिवर्तन होता है। बहुत बार में आपको ये पता है कि पहली बार जो सुनने के आए हैं उनको सबको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपना दिमाग ध्यान कहेंगे, क्योंकि जब तक आप आइडियोलॉजी ओपन माइंडली नहीं सुनते, नहीं समझेंगे तो उसके बाद में ही आपको इसको बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन क्या होता है कि थोड़ा सा उम्र का, थोड़ा सा तजुर्बे का, थोड़ा सा और भी बात, अगर अपन माइंड सेट में अगर पहले दिमाग में भरा हुआ है तो मैं कुछ और कुछ आपको दिमाग में भरने की कोशिश करूंगा तो शायद आप लोगों को दिमाग के ऊपर से जा सकता है। तो मुझे लगता है कि आप अपना जो माइंड है पूरा ओपन माइंडली बैठिए, सुनिए, समझिए, फिर उसके बाद में अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लेटफॉर्म ओपन है, हम अपने आपके साथ में, आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं और इस आइडियोलॉजी में, इस सेशन में, या फिर जिसको अपन कम्युनिटी कहते हैं, इस कम्युनिटी में आपका स्वागत है। ओके, तो एमएम क्या है, एमएम के बारे में थोड़ा सा अपन यहाँ पे जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। वॉइस ब्रेक, ओके, चेंज प्लेस, ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर लो, थोड़ा सा और में डिस्टर्ब, जस्ट वन मिनट। ओके, थोड़ा सा नेटवर्क का हो सकता है, चलो ठीक है, जगह चेंज करने के बाद में थोड़ा सा ओके कंटिन्यू करते हैं, जस्ट टू मिनट वेट, आई थिंक इट्स वेरी परफेक्ट प्लेस, यस ओके थैंक यू। चलो शुरुआत करते हैं, यहाँ पे वेलकम है ग्लोबल कम्युनिटी में, बीच बीच में ब्रेक हो रहा है, अभी भी ब्रेक हो रहा है, जस्ट वन मिनट, आई थिंक ओके वेलकम है सभी लोगों का, आज का तहे दिल से स्वागत है आज के सेशन में, बढ़िया से सेशन में आप लोग यहाँ पर आए हो, अपना कीमती समय निकाल के 101% आपके लाइफ में परिवर्तन किस तरह से। आज आइडियोलॉजी आपको भी पता है बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही है, काफी सारे लोग इसमें कम्युनिटी में जुड़ रहे हैं। अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो सब लोगों को मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा ओपन माइंडली सुनिए, समझिए, तो ही आपको आइडियोलॉजी के बारे में डीपली पता चलेगा। एमएम ग्लोबल कम्युनिटी, डीएमएसए, डीएमएसए क्या है, डिजिटल मारो सिस्टम, वक्त बदलता जा रहा है, परिवर्तन होता जा रहा है और काफी सारी चीजों में बदलाव होते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं करेंसी में भी काफी सारा बदलाव हो रहा है और काफी सारे लोग उसको डिजिटल करेंसी के रूप में देखते होंगे, समझते होंगे या शायद उसका यूज भी करते होंगे। तो डिजिटल करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, ब्लॉकचेन सिस्टम क्या है, ये शायद आप तो पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो जान लीजिए क्योंकि ये फ्यूचर करेंसी है, या फिर इसको प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों भी कह सकते हैं, क्योंकि वक्त बदलता जा रहा है तो हमें भी वक्त के साथ में बदलना बहुत जरूरी है कहा जाता है, परिवर्तन के साथ में बदलना, परिवर्तन सर नियम होता है और अपन भी वक्त के साथ में बदलेंगे तो आगे निकल जाएंगे, अगर परिवर्तन नहीं करेंगे तो वही का वही रह जाएंगे। तो आज के इस सेशन में मैं आपको क्रिप्टो करेंसी क्या है, किस तरह से आज क्रिप्टो करेंसी का माहौल बनता जा रहा है, काफी सारे लोग उसके यूजर बढ़ रहे हैं और जिस तरह से यूजर बढ़ रहे हैं उस तरह से कम्युनिटी भी बहुत बड़ी बनी जा रही है। तो ये एमएम कम्युनिटी में अगर बात करेंगे, ग्लोबल लेवल पर काम है, ओके, तो सबसे पहले थोड़ा सा चेतावनी देना चाहूंगा, एक्चुअली चेतावनी इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि माइंड सेट करके नहीं आते या ओपन माइंडली नहीं आते, ओके, बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपने दिमाग में बहुत सारी बातें लेके आते हैं, अच्छा ये डबल का फंडा होगा, 1 लाख डालो 2 लाख मिलेगा, 2 लाख डालो 4 लाख मिलेगा,
बैठे बैठे बहुत सारे लोग सिस्टम के माध्यम से इनकम तो कमाना चाहते हैं, लेकिन कम्युनिटी का क्या करते हैं, वो पार्ट नहीं बनना चाहते। मतलब मैं मेरे लिए आता हूँ और मैं मेरे पे बेनिफिट लेके आता हूँ, लेकिन बाद में अगर देखने जाऊंगा तो कम्युनिटी में जिस तरह से कुछ हिस्सा बनना है, ओके, तो वो हिस्सा नहीं बन पाते। तो मुझे लगता है वो चेतावनी थोड़ा सा उन लोगों के लिए थी जो डबल टिबल करने के आए, उनके लिए एक ही कहना चाहूंगा, ये भाई कम्युनिटी है और कम्युनिटी में आप अपने आप कॉन्ट्रीब्यूशन दीजिए, आप अपना बेनिफिट भी आपको मिलेगा लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशन दीजिए। तो देते समय आप ओपन माइंड से आइए, ओके। ये कम्युनिटी में अगर बात करेंगे तो चैरिटी, डोनेशन, गिफ्ट के हिसाब से आएंगे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा, ओके। और आप अपना थोड़ा सा, जिसको मैंने कहा कि भाई आपने घर का इधर का उधर का जो जरूरी आज के डेट में जो मनी है वो अगर आप यहाँ पे डालोगे तो उतना ज्यादा बढ़िया सा आपको बेनिफिट नहीं होगा, ओके। तो ओपन माइंडली आ जाइए। एमएम क्या है? एमएम मारोडी मोंडियल मनी बॉक्स कहा जाता है, जिसको मनी मेकिंग मशीन भी कहा जाता है। काफी सारे लोग उसको अलग अलग नाम से जानते हैं या नाम से पहचानते हैं, नाम से बोलते हैं। इसमें काफी सारे लोग एमएम का मतलब होता है मदद, मदद और मदद। एक दूसरे को मदद करिए, एक दूसरे को हेल्प करिए, क्योंकि ये ग्लोबल लेवल का काम है। यहाँ पर जो भी काम हो रहा है ओके ग्लोबल लेवल पे हो रहा है। एमएम क्या है? इनमें इंफॉर्मेशन के लिए अपन जानने की कोशिश करेंगे तो www.mmglobal-moro.com इस पे आप इंफॉर्मेशन साइट है। ये क्या है? अगर आप इस कम्युनिटी के बारे में डीपली जानकारी देना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहां पे काफी सारे लोगों के टेस्टिमनी है, काफी सारे लोगों ने ये कम्युनिटी के साथ में जब हिस्सा बनने के बाद में जिनको बेनिफिट मिला हुआ है, उनके ऑडियो, उनके वीडियो, उनके हैप्पीनेस लेटर आपको पढ़ने को भी मिलेंगे, काफी सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। ये ग्लोबल लेवल का काम है तो आप ग्लोबल लेवल पे जाके देख सकते हैं कि भाई ये कम्युनिटी की किस तरह से काम करिए और फिर हमें किस तरह से उसका हिस्सा बनना है, ओके। एक मदर साइट है www.moro-office.com, ये मदर साइट है। ये इन्फॉर्मेशन साइट में से भी आप मदर साइट में आ सकते हैं। जब आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, उस टाइम पे आपका भी स्पेशली जिसको अपन कह सकते हैं स्ट्रक्चर, जो इस कम्युनिटी का हिस्सा बनने के बाद में जो आपका स्ट्रक्चर है वहां पर आपको बेनिफिट स्ट्रक्चर आपको मालूम पड़ेगा, किस तरह से इस कम्युनिटी में आप हिस्सा बने हो, आपके साथ कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं, उसका आप जो परचेसिंग या फिर उसको अपन कहेंगे बेनिफिट जो है आपको वहां पे मालूम पड़ेगा, ओके। तो एमएम ग्लोबल मोरो सिस्टम में अगर बात करेंगे, सोशल म्यूचुअल एड फंड है और ये भी ग्लोबल लेवल का काम है। तो यहाँ पर आप आइए ओपन माइंडली। तो इन्होंने किसने इसकी शुरुआत की, कौन है फाउंडर या कौन है इसके निर्माता, जो आज के बीच में हमारे बीच में नहीं है लेकिन उनकी आइडियोलॉजी फिर भी काम कर रही है, यही है कि एक विचारधारा किस तरह से लॉन्ग लाइफ काम करती है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ पे सर्गेई मारोडी है। ये कौन है? तो ऐसे पर्सन है जिन्होंने बहुत बड़ी क्रांति की, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन किया और इस रेवोल्यूशन में, इस क्रांति में अगर बात करेंगे हमें भी हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है। एक ऐसे पर्सन जिन्होंने अपने लाइफ में खुद के बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचने से ज्यादा तो लोगों के बारे में या फिर समाज के बारे में, सोशल के बारे में या फिर ग्लोबल लेवल के बारे में सोचा और आज बहुत बड़ी क्रांति जिनके माध्यम से चल रही है वो है एमएम के फाउंडर सर्गेई मारोडी। इनका जन्म अगर बात करेंगे तो रशिया में हुआ था 2018 में, हमारे बीच में से ये चले गए। वो एक अति ऐसी एक पवित्र आत्मा जिनके माध्यम से दुनिया भर के बारे में लोगों को एक जागरूक करने का काम उनके माध्यम से हुआ। उनके थोड़ा सा हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे। इनके पास में मेंबर ऑफ द रशियन पार्लियामेंट डुमा की मेंबरशिप थी, उनके पास थी। एक एंटरप्रेन्योर थे, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स जीनियस थे, थिंकर थे, राइटर थे, प्रोग्रामिंग इंजीनियर थे, मतलब काफी सारी पदवियां उनके पास में होने, डिग्री होने की वजह से, और काफी सारे प्रोग्रामिंग इंजीनियर या फिर ये कह सकते हैं एक ऐसे सर्वगुण संपन्न व्यक्ति जिन्होंने रशिया में एक बहुत बड़ा अपना कॉन्ट्रीब्यूट दिया, जिन्होंने वर्ल्ड लेवल के लिए भी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूट दिया और लोगों को एक ऐसी चीज के बारे में बताया जिसके बारे में शायद कॉमन इंसान, कॉमन तो बहुत दूर की बात है, एक हाई लेवल का भी इंसान उसके बारे में जानता नहीं था, समझता नहीं था। उनके बारे में या उस चीज के बारे में पहले बताने का काम किसने किया होगा? तो सर्गेई मारोडी ने। क्या है सबसे बड़ा स्कैम की बात करेंगे तो वो है डॉलर की मोनोपोली। ये आप यूट्यूब पे जा सकते हो, गूगल पे जा सकते हो, चेक कर सकते हो कि क्या भी प्लेटफॉर्म ओपन है। आज इंटरनेट हर एक के पास में है और आप अपन जानने की समझने की कोशिश कर सकते हैं, उसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं। डीपली नॉलेज देने के बाद में आपको ये शायद चीजें बात समझ में आएगी। ये पहली बार में मैं बता रहा हूँ, इसके लिए शायद आपको कितना समझ में आएगा मुझे पता नहीं, लेकिन आप ये जानने की कोशिश करेंगे तो डीपली नॉलेज देंगे तो आपको पता चलेगा कि जो दुनिया है, दुनिया में कई सारे देश है जिसको अपन कहेंगे 220 से ज्यादा देश है, और ये 220 देश में अगर बात करेंगे
तो हर एक देश की अपनी एक अर्थव्यवस्था है, और हर अर्थव्यवस्था में बैंक क्या करती है, रोल निभाती है कि भाई वहां पे जैसे कि अपने इंडिया के अंदर बात करेंगे तो आरबीआई है, ओके, ये पूरे ऑल ओवर जो बैंक है वर्ल्ड अपने इंडिया के, उसके ऊपर वॉच करने का, उसके ऊपर कंट्रोल करने का या उनको आदेश देने का, उनको सही ढंग से गाइडलाइंस देने का काम करती है। तो ये इंडिया की बात हुई। तो इंडिया के बाद में अगर बात करेंगे, जैसे देश या हर एक देश के ऊपर कहीं ना कहीं पे अमेरिका, जिसको अपन बोलते हैं कि आर्थिक महासत्ता है, और ये आर्थिक महासत्ता होने की वजह से काफी सारी जगह पे आपको भी पता है कि भाई ये जो माहौल बना हुआ है, ओके, अमेरिका में फेडरल रिजर्व नाम की एक बैंक है जो डॉलर छपने का काम करती है, डॉलर की मोनोपोली का काम करती है। आप बोलेंगे तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात ये है कि इंडिया में अगर करेंसी छापना है, इंडिया में कुछ नोट छापना है, इंडिया को ले अगर बात करेंगे तो होता क्या है, समझ लो कि चले कि उदाहरण के तौर पे समझो 2000 करोड़ छापना है या फिर 200 करोड़ छापना है, तो उसमें क्या होता है कि 115 करोड़ रुपए का उनको क्या करना पड़ता है, डॉलर के रूप में नहीं तो कम से कम गोल्ड के रूप में या फिर डायमंड के रूप में कुछ एसेट साइड में रखना पड़ता है बैकअप मनी के लिए। और 85 करोड़ रुपया अगर बात करेंगे तो परकीय चलन, जिसको अपन डॉलर कहते हैं, ओके, परकीय चलन मतलब डॉलर रखना पड़ता है। 200 करोड़ के लिए भी 200 करोड़ का खर्चा है, लेकिन फेडरल रिजर्व को जब डॉलर छापना है ना तो उनको सिर्फ कागज का खर्चा है, बाकी उनको बैकअप मनी के लिए कुछ रखना नहीं पड़ता। कागज का खर्चा और छापने का खर्चा, जैसे अपन जेरॉक्स मारते हैं, अभी जेरॉक्स मारने के लिए कितना खर्चा है, समझो 2000 के नोट का जेरॉक्स मारा तो भी 1 रुपया खर्चा आएगा, 1 रुपए का नोट का भी जेरॉक्स मारा, कलर जेरॉक्स मारा तो 2 रुपया लगेगा, 4 रुपया लगेगा, 5 रुपया लगेगा, 10 रुपया लगेगा या 20 रुपया लगेगा, उससे ज्यादा तो लगेगा नहीं। मतलब नोट कौन से भी हो, अगर कलर रूप में भी छापना है तो खर्चा कितना आता है, 5 से 10 रुपया। लेकिन इंडियन करेंसी की बात करेंगे तो वहां पे छापने के लिए 200 करोड़ के बदले पहले 200 करोड़ बैकअप मनी रखना पड़ता है, फिर खर्चा वो अलग से, फिर उसके बाद में एटीएम में आता है, बैंक के माध्यम से अपने पास में पड़ता है, उसका खर्चा अलग से। तो कहने वाली बात क्या है, ये डॉलर की मोनोपोली इस कदर से पूरी दुनिया में छाई हुई है कि डॉलर का इनडायरेक्टली अगर बात करेंगे तो गुलाम बनाया जा रहा है, मतलब पैसे का गुलाम लोगों को बनाया जा रहा है। ये पैसे का गुलाम की गिरी में कॉमन इंसान इतना फंस चुका है कि सुबह से लेकर शाम तक वो काम करता है सिर्फ पैसे के लिए करता है। 90% पैसा 10% लोगों के पास में है, 90% वेल्थ, 90% पैसा 10% लोगों के पास में है, और 10% पैसा 90% लोगों के पास में है। मतलब ये बहुत बड़ी तफावत है जिसको अपन आर्थिक दरी कहते हैं, इतनी बड़ी तफावत है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो ये थोड़ा सा कॉमन लोगों के थोड़ा सा ऊपर की बात है, क्योंकि हम कभी सोचते नहीं समझते नहीं, हम यही कहते हैं कि भाई काम करना पैसा कमाना। ये जो नौकरी मेंटेलिटी है, जॉब मेंटेलिटी है, उसका कारण ही है कि गुलाम मतलब कौन होते हैं, जॉब हेयर करने वाले रहते हैं। लेकिन ये गुलामगिरी का लाया किसने, ये आर्थिक तफावत किसने लाई? आज पैसा वाला जिसको अपन बोलते हैं अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब बनते जा रहे हैं। क्यों बन रहा है? क्योंकि भांडवलशाही का सब कुछ ये है। आज देख रहे इंडिया के अंदर भी अगर बात करेंगे, ऐसे ऐसे कानून आ रहे हैं जिसके बारे में अपन सोचने जाएंगे तो बहुत डेंजर है। 2-4 दिन पहले हमारे पीएम ने घोषित कर दिया कि जो लोग परमानेंट है उनको भी आप टेम्पररी रख सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं। अभी कंपनी वाले जितना भी चाहे, पहले कंडीशन था 6 महीने के बाद में अगर आप उसको आप काम पे रख रहे हैं, जॉब पे रख रहे हैं, तो उसको परमानेंट करना पड़ता है। लेकिन अभी क्या है, अब जिंदगी भर उसको परमानेंट नहीं भी किया तो भी चलेगा, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखेंगे तो भी चलेगा, मतलब कोई पीएफ नहीं, कोई जीएफ नहीं, जब करना ही करो नहीं तो निकल जाओ। तो ये क्या हो रहा है, ये भांडवलशाही के इसमें अगर बात करेंगे, बड़े लोगों को बड़ा बनाने का सब मौका है लेकिन छोटे लोगों को छोटे ही रह रहे। तो ये पीछे कहीं ना कहीं पे क्या रहते हैं, ये जो भी कानून बनते हैं कहीं ना कहीं अमेरिका के उसमें भी क्या होता है, थोड़ा बहुत तो रहता ही है, आप मानो या ना मानो। नहीं मानना है तो आप जाके डीपली जानकर ले सकते। एक छोटा सा उदाहरण मैं हमेशा देता हूँ कि भाई ये नहीं मानते अगर आप, तो समझ जाओ कि हम आजाद है या नहीं है। इनडायरेक्टली आजाद नहीं है, डायरेक्टली आजाद है, खाना पीना रहना खाना इधर उधर जा रहे, मतलब आपको लग रहा है आजादी, लेकिन वैसा नहीं है। ये आजादी किस तरह से है, थोड़ा सा अपन समझने की कोशिश करेंगे। ईरान इराक में से अपन पेट्रोलियम लेते हैं, पेट्रोल लेते हैं, और उसके बदले में अगर बात करेंगे उनको अनाज भी देते हैं। लेकिन ये लेन देन के समय में बार्टर सिस्टम जैसे हुआ करता था उस समय में, वैसा ही आज के डेट में व्यवहार होने वाला था इंडिया के ईरान के साथ में, कि आप हमको पेट्रोलियम दे दो, हम आपको डॉलर के बदले में क्या करेंगे, आपको अनाज जरूरी है तो हम अनाज उगाते हैं, हम अनाज दे देंगे, आप पेट्रोलियम लेते हो आपके पास में है तो आप वो दे दो। तो वहां पे हस्तक्षेप हुआ फेडरल रिजर्व का, उन्हें कहा आपको लेन देन करना है लेकिन चीजों के बदले अदला बदली नहीं कर सकते, आपको डॉलर के रूप में ही करना पड़ेगा, मतलब इंडिया को भी डॉलर लेना पड़ेगा और ईरान को भी डॉलर की। तो डॉलर की मोनोपोली कम नहीं होने दे रहे, ये हर एक के ऊपर क्या हो रहा है, दबाव डालने का काम हो रहा है। और इसकी वजह से काफी सारे डिसीजन
वर्ल्ड लेवल पे काफी सारे डिसीजन जो इंडिया को लेना है वो डायरेक्टली नहीं लेते, क्योंकि बाकी लोगों के साथ में भी व्यवहार बनाना रखना पड़ता है या फिर ऐसी मोनोपोली है जो मोनोपोली को अपने को फाइट करना पड़ता है। अभी एक कॉमन लोगों के ऊपर की बात है, मैं बोलता हूँ उसको जरूरत नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो अपने को जानकारी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम उस देश में रहते हैं या हमें भी हक है लाइफ में आगे बढ़ने का, हमें भी हक है इस दुनिया में अगर बात करेंगे रिच कस्ट में जाने का, लेकिन कब जा सकते हैं? जब ऐसी मोनोपोली अगर रहेगी तो कहीं ना कहीं उसका विरोध होना जरूरी। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया के अंदर आई थी तो व्यापार के रूप में आई थी और उसके बाद 150-200 साल राज किया। तो ये अमेरिका शायद हो सकता है कि कल के डेट में फिर से जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी किया वैसे अमेरिका नहीं कर सकते, ऐसे किसने देखा है? अगर वैसा अपन गुलामी जाते रहेंगे उसके लिए कहीं ना कहीं पे ये बातें जो मैंने बताई है, सर्गी मारोड़ी भी उन्होंने स्टडी किया, उसके बाद में उनको भी ये मालूम पड़ा कि भाई ये डॉलर्स की मोनोपोली किस तरह से रशिया में जा रही है, लोगों के ऊपर छा रही है, देश के ऊपर छा रही है। तो उन्होंने क्या किया, एक इंटरनल करेंसी के रूप में मौरो करेंसी का निर्माण किया। एक दूसरे को लेन देन के समय में आप एक करेंसी क्या होती है, एक्सचेंज। एक्चुअली कोई भी चीज लेते समय आप कोई चीज दे रहे, जो चीज दे रहे तो करेंसी के रूप में हो सकती है। करेंसी आपने मैंने माना तो करेंसी बन जाती है। क्या होता है, व्यवहार करते समय दो पार्टी, लेने वाले और देने वाले, अगर कोई चीज के लिए मानती है, जैसे आपने बहुत बार में देखा होगा होटल में आप जाते हैं, अपना रोज का ऑफिस के बाजू में समझो होटल है, चाय पानी के लिए अपन चले जाते हैं, तो बहुत बार में क्या होता है छुट्टा नहीं रहता, छुट्टी का प्रॉब्लम रहता है, तो वो होटल वाला क्या करता है, समझो आपने 100 रुपए का नोट दिया, 75 रुपए का बिल हो गया, 25 रुपए उसको वापस देना था, वो 25 रुपए नहीं दिया, 20 रुपए दिया और 5 रुपए छुट्टा नहीं था, तो उसने क्या किया, एक कागज पे लिख के दे दिया कि 5 रुपए बाकी बैलेंस और उसके ऊपर एक साइन कर दिया, तो आपको हाथ में दे दिया कि आप कल परसों कभी भी आ जाओ, बाद में कभी भी आ जाओ, ये 5 रुपए के बदले आप एक क्या करो कागज दे दो तो आपका 5 रुपए का कम हो जाएगा, या फिर बाद में छुट्टा आएगा तो 5 रुपए ले लेना। अभी वहां पे वो कागज का जो टुकड़ा है वो 5 रुपए की नोट नहीं है, 5 रुपए का डॉलर नहीं है, फिर भी वो डॉलर का काम कर रहा है या फिर करेंसी का काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है? क्योंकि उसने जो देने वाला है उसने भी माना है और आपने भी माना है, लेने वाले ने भी माना है, इसके लिए वो कागज का टुकड़ा भी करेंसी बन जाता है। आपने सड़क सोपा सुना होगा, बहुत जगह पे रेस्टोरेंट पे लिखा रहता है सड़क सोपा, आप कोई चीज खरीदने करते हैं मॉल में जाते हो तो सड़क सोपा आपको मिल जाता है। तो जैसे अपन खाना पीना खा लेते हैं जहाँ पे लिखा है सड़क सोपा एक्सेप्ट, वहां पे अपन क्या करते हैं पैसे नहीं देते और उसको सड़क सोपा देते और चले आते, तो वो सड़क सोपा करेंसी क्योंकि लेने वाला देने वाला दोनों को मान्य है, दोनों को एग्री है, इसके लिए वो चली। आप वही सड़क से पास अपन लेकिन किराना दुकान में जाएंगे, वही भाजी वाले के पास जाएंगे, बोलेंगे ये ले लो और मेरे को चीज दे दो, तो शायद नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो करेंसी कब होती है या करेंसी किसको मानते हैं या फिर करेंसी किस रूप में मानते हैं, लेने देने वाला मान्य कर रहा है ना तो कागज का टुकड़ा भी करेंसी बनता है। वैसे ही सर्गेई मारोडिन ने प्रूवन कर दिया कि भाई ये कागज का टुकड़ा भी आप करेंसी समझ सकते हो, ले सकते हो, उसका फायदा हो सकता है, तो डेली 1% मंथली 30% का आप ग्रोथ ले सकते हो। ये लोगों के बीच में ये इंटरनल करेंसी के रूप में उन्होंने देना चालू किया। ये मैं बात बता रहा हूँ 1992 से लेके 2010 तक की मैं कहानी मैं आपको शॉर्ट बाय शॉर्ट में बता रहा हूँ, शायद आप लोगों को वो समझ में नहीं भी आएगी तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यूट्यूब ओपन है, यूट्यूब पे आप MM फाइनेंशियल पिरामिड एक मूवी है जो हॉलीवुड में बनी है, वो आप जाके डाउनलोड कर सकते हो या फिर डायरेक्टली देख सकते हो, डाउनलोड करने की जरूरत भी नहीं, आप डायरेक्टली दे सकते हो। उसमें एक्चुअली रशियन लैंग्वेज में है लेकिन नीचे जो टाइटल दिए हुए हैं वो अंग्रेजी में दिए हुए हैं, तो अपन उसको देख सकते हैं। देखने के बाद में भी काफी सारा अपने को समझ में आएगा, शायद अपने को अंग्रेजी भी नहीं समझ में आती कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मूवी देखने के बाद समझ में आएगा। ओके, तो जैसे ही यहाँ पर ये सिस्टम के माध्यम से जितना लोगों के पास में हो रहा है, ओके, जैसे लोगों के पास में इतना बढ़िया तरीके से लाइफ में इतना परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है लोगों के लाइफ में, अगर बात करेंगे लोगों को जिसमें अपन ये कह सकते हैं कि भाई डेली 1% मंथली 30% का ग्रोथ मिलना चालू हो गया, कुछ लोगों ने विश्वास किया, कुछ लोगों ने विश्वास नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे लोगों की संख्या इस तरह बढ़ गई क्योंकि उनके लाइफ में परिवर्तन होता गया। और जब आपको भी पता है सक्सेस के पीछे सक्सेस हो जाता, मतलब लोग जाते हैं सक्सेस के पीछे, सक्सेसफुल लोग क्यों जाते हैं क्योंकि उनको पता है। उसके अंदर में अगर बात करेंगे तो ये आइडियोलॉजी किस तरह से काम कर रही है, MM की बात करने जाएंगे तो MM लोगों के दिल दिमाग में इतना छाया हुआ है, आज भी सर्गेई मारोडी की फोटो उनके घरों में, काफी सारे रशियन घरों में जाने के बाद में उनकी पूजा की जाती है। कारण क्या है, रीजन क्या है, क्योंकि भाई उन्होंने फायदा करके दिया है हुआ है, ठीक है, तो इसके लिए उनकी पूजा की जाती है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि इतने सारे लोगों के साथ में इतना कुछ हो गया, तो ये बात 1/3 से भी ज्यादा पॉपुलेशन और 1/3 से भी ज्यादा वेल्थ जब सर्गेई मारोडी के पास में जमा हो गया तो काफी सारे हलचल मच गए। जो विरोधक थे वो भी सोचने लगे कि यार एक इंसान इतना कुछ कर रहा है, कहीं जाके कल जाके ए हुकुमशाना बन जाए, पूरा
देश को कंट्रोल ना करे, ऐसा उनको लगा विरोधकों को। एक्चुअली आपको पता है कोई भी नेक काम भी करेंगे तो भी उसके पीछे विरोध तो होता ही है। कोई ऐसा नहीं कि देश के लिए अच्छा काम हो रहा है इसका मतलब सब लोग सपोर्ट करते, कोई ना कोई तो विरोध में रहता ही रहता है। तो वहां पर विरोधकों ने इस तरह से हल्ला मचा दिया कि भाई ये इंसान कुछ तो गड़बड़ करने वाला है, पैसे लेके भागने वाला है। क्योंकि उस टाइम पे क्या था, फिजिकली करेंसी लेन देन था, कई सारे ऑफिसेस थे, कई सारे गोडाउन थे, तो वहां पे रशियन करेंसी एक्सेप्ट किया जाता था, उसके बदले में मावरो करेंसी दिया जाता था, फिर मावरो दे दो फिर रशियन करेंसी ले लो, ऐसे एक्सचेंज होता करता था। तो वहां पे फिजिकली होता था। तो उस टाइम पे कई सारे ऑफिसेस पे जब छापे मारे गए तो कई सारे कंटेनर भर के रशियन करेंसी मिला। और फिर उन्होंने जाहिर कर दिया कि भाई ये पासपोर्ट जाली बना के या फिर पैसा लेके भागने वाला था। तो वहां पे लोगों को ये बात बताने के बाद में लोगों को तो पता था कि भाई सर की मारोड़ी कैसा है, उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ बोलने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसका फायदा करके दिया था। 92 से लेकर 2010 तक 18 साल तक अगर बात करेंगे तो लोगों का बेनिफिट ही दिया था, लोगों को फायदा ही दिया था। तो उनको पता था ये इंसान गलत नहीं है, इसके लिए उसके समर्थन में सर्गी मारोड़ी के समर्थन में रैली निकलेगी, काफी सारे आंदोलन हुए गए। ओके, और सबसे बड़ी रैली उस टाइम की रशिया की सबसे बड़ी रैली अगर बात करेंगे तो सर्गी मारोड़ी के समर्थन में कि भाई उसने किसी का बुरा किया ही नहीं, तो आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते, आप उसको सजा नहीं दे सकते, उसने कुछ बड़ा करके दिया है। तो ये बात जब पब्लिक उनके साथ, क्योंकि 1/3 से ज्यादा पब्लिक एमएम के साथ में थे, तो यहाँ पर क्या हुआ, तो उस टाइम पे सर्गी मारोड़ी को बाइज्जत बरी करना पड़ा, रिहा करना पड़ा। क्यों? क्योंकि भाई उसने किसी का तो बुरा किया नहीं था, कंप्लेंट लोगों का नहीं था कि भाई हाँ हमारा किसी ने इन्हें पैसा डुबाया हुआ है, खाया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं था। तो इसके लिए उनको बाइज्जत बरी करना पड़ा। और जब बाइज्जत बरी हो गए तो फिर उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि कहीं ना कहीं पे रशिया में जिस तरह से एमएम के बारे में फिजिकली लेन देन किया था 2010 तक, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ, उसने उन्होंने क्या किया 2011 में एमएम को रिस्ट्रक्चर किया, लेकिन अलग तरीके से किया। तो ये जो मैंने बातें बताई ये आप एक मूवी के रूप में देख सकते हो, बनी हुई एक उनके लाइफ की पिक है। ओके, आपको देख सकते हो तो आपको बहुत कुछ डीपली जानकारी मिलेगी। तो 2011 में उन्होंने क्या किया, मैं खुद पैसा नहीं लूंगा हाथ में, फिजिकली लेन देन नहीं लूंगा, आप डायरेक्टली एक दूसरे को मदद करो, अकाउंट टू अकाउंट, पर्सन टू पर्सन आपका करो, हेल्प करो। ये 2011 में रिस्ट्रक्चर हुआ। 2011 से लेकर 2018 तक अगर बात करेंगे तो फिर वहां तक लोगों के एक दूसरे के अकाउंट में लोग एक बेनिफिट दे रहे थे, लोगों को हेल्प दे रहे थे, हेल्प ले रहे थे, ये भी अच्छा चल रहा था, ये वर्ल्ड लेवल पे चल रहा था। जबकि 2010 तक मैंने बात किया सिर्फ अगर बात करेंगे तो सिर्फ रशिया में चल रहा था, लेकिन ग्लोबल लेवल पे 2011 के बाद में चलने के बाद में काफी सारा हेल्प जो है एक दूसरे को बढ़िया तरीके से मिल रहा था। फिर भी सेकंड वहां पर थोड़ा सा ये आ गया, इश्यू आ गया कि भाई लोग एक दूसरे के अकाउंट में क्यों पैसा डाल रहे, क्यों बेनिफिट ले रहे, क्यों ग्लोबल लेवल पे ऐसा काम हो रहा है। तो ये आपको भी पता है, ऊपर के जो लोग रहते हैं जिसको अपन बोले डॉलर के मोनोपोली, ये कहीं ना कहीं वॉच करती है कि भाई डॉलर का रेट कम ना होना चाहिए, डॉलर का मोनोपोली हमेशा बरकरार रहनी चाहिए, तो ही हम ये करेंगे। तो ये बीच में उन्होंने भी फिर थोड़ा सा क्या किया, बहुत सारे गवर्नमेंट को साथ में लेके, जैसे इंडियन गवर्नमेंट की बात करेंगे तो आपको भी पता है कि अभी तक मतलब कुछ साल पहले अगर बात करेंगे तो आप एक दूसरे का अकाउंट में डायरेक्ट पैसा डाल सकते हो, अभी डाल नहीं सकते। अभी क्या करना पड़ता है, अभी SBI में जाओ, कहीं पर भी जाओ, आप डायरेक्ट किसी के अकाउंट में पैसा डालने से पहले आपको उसके लिए एक अलग से कार्ड निकालना पड़ता है। उसका आप क्यों पैसा डाल रहे हो, आपको उसका कौन रिलेशन वाला है, आप ऐसे पैसा डाल रहे हो, तो कार्ड निकालना पड़ता है, फिर उसके बाद में आप व्यवहार कर सकते हो। तो कहने वाली बात क्या है, सिंपल लैंग्वेज में मैं कहना चाहूंगा, अभी तक एमएम ने जितना भी सारा जो कारवा हुआ है 25 से 30 साल पीछे का, उसमें से काफी सारे लोगों ने उसका बेनिफिट लिया हुआ है, काफी सारे चीज, ये आइडियोलॉजी है और ये आइडियोलॉजी प्रूवन है, और मार्केट में ये कल आए हुए आइडियोलॉजी नहीं, ये कल आया हुआ नाम नहीं है, एक बहुत पुराना नाम है जो कि आज की डेट में कम्युनिटी के माध्यम से काफी सारे लोग उसका फायदा ले रहे। अभी क्या है, अभी सब फिल्टर 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 होके अगर बात करेंगे तो इस तरह से फिल्टर होके प्लान बना जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इसके एमएम के साथ में जुड़े, बहुत सारा उसका बेनिफिट भी लिया, और जिस तरह से लोगों ने उम्मीदें रखी थी कि भाई एमएम हमारे लाइफ में ऐसा करेगा वैसा करेगा, ये होगा वो होगा, काफी सारे लोगों को उम्मीदें तो पूरी हो गई, लेकिन अभी बहुत सारे लोग बाकी है, काफी सारे लोग अभी बाकी है ये कम्युनिटी के साथ में हिस्सा लेने के लिए, फायदा उठाने के लिए। तो उन लोगों के लिए एक ऐसा फिल्टर प्लान यहाँ पे अभी प्रेजेंट होने जा रहा है जो वर्ल्ड लेवल का सबसे बेस्ट प्लान है, जिसकी अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना बेनिफिट आज इस वर्ल्ड बैंक के या वर्ल्ड कम्युनिटी के हिसाब से अगर बात करने जाएंगे तो बेनिफिट उनको मिला। तो क्या है, ये कोई कंपनी नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, कोई प्रोडक्ट सेलिंग नहीं है, कोई बाइनरी सिस्टम नहीं है। तो ये आज के डेट में हमें लेन देन के स्वरूप में अगर बात करना है, हेल्प देना है और हेल्प लेना है, ये कम्युनिटी।
और ये क्या है, स्मार्ट हेल्थ कम्युनिटी है, स्मार्ट हेल्थ रेवोल्यूशन है, एक ऐसी क्रांति है। ये ऐसी क्रांति से अगर बात करने जाएंगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से, जहाँ पे लाइफ चेंज अपॉर्चुनिटी भी कह सकते हैं, लाइफ चेंज एक ऐसी कम्युनिटी जिसके माध्यम से काफी सारे लोग अगर कहने जाएंगे तो उसका फायदा ले रहे हैं। तो पैसा क्या है, बुरा है अच्छा है, ये अगर अपन जानने की कोशिश करेंगे तो दोनों है, लेकिन सबसे ज्यादा बुराई क्यों है, बुरा इसलिए है कि हमारे पास नहीं, यार अच्छा है क्यों है, क्योंकि किसी और के पास में है तो लोग तो मजा ले रहे, और बुरा इसलिए है कि भाई लोगों को गलत काम करने पड़ रहे। काफी सारे लोग हैं जो पैसे के लिए चोरी करते हैं, डकैती डालते हैं, खून करते हैं, भाई भाई का नहीं रह गए। ओके, तो कहीं ना कहीं पे वो लोग क्या कर रहे हैं कि आज की डेट में उतना नुकसान कर रहे हैं, उतना ये हो रहा है। ओके, तो अच्छा है बुरा है अपन देखने समझने की कोशिश करेंगे कि बार्टर सिस्टम में क्या होता है। बार्टर सिस्टम में आपको भी पता है, बार्टर सिस्टम में लेन देन के समय में करेंसी का निर्माण हुआ, ये आपको भी पता है। करेंसी के बारे में अगर बात करने जाएंगे, ओके, करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी का जन्म कहाँ से हुआ, इसका अगर थोड़ा सा पीछे का हिस्ट्री देखने जाएंगे तो आपको भी पता है, शुरुआत में डेयर में मतलब बहुत साल पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था, चीजों का अदला बदली, फिर गोल्ड करेंसी के रूप में लेनदेन हो गया, फिर मेटल कॉइन हो गया, फिर पेपर करेंसी, आज के डेट में पेपर करेंसी भी चल रही है। ओके, और उसके बाद में प्लास्टिक कार्ड, प्लास्टिक मनी जिसको अपन कहेंगे वो भी चल रहा है, और फिर इलेक्ट्रॉनिक मनी जो डिजिटल करेंसी के रूप में, और अभी का जमाना है क्रिप्टो करेंसी का। ब्लॉकचेन सिस्टम में आपको पता है क्या होता है कि ब्लॉकचेन सिस्टम में कोई मीडिएटर नहीं रहता, ब्लॉकचेन सिस्टम में जो भी है जिसको देना है वो दे सकता है, जिसको लेना है वो ले सकता है, उसका लेखा जोखा रखने का काम सिर्फ क्या करता है, सॉफ्टवेयर करता है, जो एक ब्लॉकचेन बना हुआ है। जैसे बीटीसी बनाने वाला भी सामने नहीं है, लेकिन फिर भी वो चल रहा है, क्योंकि बीटीसी का जब निर्माण हुआ था एक्चुअली एक जैसे कि खेल में, जैसे कंप्यूटर में लोग गेम खेलते थे तो वो जब जीतने के बाद में उनको थोड़ा सा हेल्प मतलब मजा आना चाहिए, इसके लिए वो क्या करते थे, बीटीसी कॉइन मिला करते थे लोगों को, वो पॉइंट के रूप में था, अवार्ड के रूप में मिलता था, तो लोगों का जब अवार्ड के रूप में मिलता था तो लोगों को मजा आता था और भी ज्यादा खेलते थे, और ये बढ़ते गए, एक वक्त ऐसा आया जो फ्री में मिलने वाला बीटीसी, जो पॉइंट के रूप में मिलने वाला बीटीसी, आज के डेट में आप देख रहे हो इंडियन करेंसी के रूप में भी 7.5-8 लाख रुपए कुछ देना पड़ता है। ओके, तो उतना कुछ ये भाव, ये तो कितना हो गया था, क्यों हुआ था, क्योंकि जब यूजर बढ़ जाते हैं तो भाव बढ़ जाते हैं, यूजर कम भाव कम हो जाता है, तो वैसे ही मौरू करेंसी का भी अगर यूजर बढ़ रहे 100% उसका भाव बढ़ने वाला है, अगर नहीं यूजर ही नहीं है तो भाव तो बढ़ने वाला नहीं है। तो हमें भी इस कम्युनिटी में अपन मौरू यूज कर रहे हैं तो उसका भी अपने क्या करना है, भाव बढ़ाना है, तो कब बढ़ेगा, जब हम उसके यूजर बढ़ाएंगे, जाते जाते कम्युनिटी में जब लोग हिस्सा करेंगे तो उसका तो 100% उसका भाव बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर ये सिस्टम में आपको 10% 20% 30% 40% अपन चाहे तो 50% से भी ज्यादा ग्रोथ ले सकते, ग्रोथ की बात कर रहा हूँ ना कि इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, ये ग्रोथ की बात कर रहा हूँ मैं। और ये ग्रोथ कब होगा, जब आप इस सिस्टम के माध्यम से अच्छा बढ़िया काम करेंगे तो होने वाला है। ओके, अभी आपको भी पता है मार्केट में आपने बोला कि 50% कहाँ से आता है, ये 30% कहाँ से आता है, ये क्यों इस सिस्टम इतना बढ़ा के देती है, तो आपको भी पता है कि सिस्टम में कोई भी पैसा जनरेट नहीं करता, सिर्फ रोलिंग होता है। पैसा जनरेट कब होता है या फिर रोलिंग कब होता है, दुनिया रोलिंग पे चलती है। बैंक में क्या होता है, बैंक कहीं ना कहीं कम्युनिटी आपको भी पता है, जहाँ पे लेन देन होता है बैंक में, बैंक एक ही काम करती है, जहाँ पर आपको आपके हिसाब से जो पैसा आप बैंक में रखते हो वो किसी और को लोन के स्वरूप में देती है। तो जिन्होंने पैसा रखा हुआ है उसको 4% से 9% बेनिफिट मिलता है, और जिन्होंने लिया है उनको 9% से 10% 16% तक अगर बात करें कुछ 22% भी तक जाता है फाइनेंस में, तो बीच में बैंक को क्या इतना फायदा हुआ, लगभग 5-12% उसका फायदा हुआ इसको बैंक को, क्यों, ये रोलिंग का मनी का काम किया। अभी इसका कस्टमर है एक बैंक में, अगर उन्होंने चाहा कि मेरे को आज का आज पैसा चाहिए, मेरा जितना भी मेरा है 1 लाख है 2 लाख है 5 लाख है 10 लाख है 10,000 जो भी मेरे को 100% मेरे को चाहिए, 100% चाहिए तो 100% नहीं ले सकते, 100% वो नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि वो है ही नहीं बैंक में, बैंक ने तो लोगों को लोन के स्वरूप में बांटा गया है। ओके, और इस तरह से अगर बात करी जाएगी पूरी दुनिया रोलिंग पे चलती है, सर्कुलेट होता है, सर्कुलेशन नहीं होगा तो दुनिया भी नहीं चलेगी। जैसे शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो ब्लड सर्कुलेशन होने की वजह से क्या होता है, इंसान जिंदा रहता है, अगर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हुआ इंसान मर जाता है, वैसे अर्थव्यवस्था में मनी सर्कुलेशन होना जरूरी है, अगर मनी सर्कुलेट नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी। ओके, तो उस तरह से ये पब्लिक, आज आपने इंश्योरेंस सेक्टर में देखा होगा, इंश्योरेंस सेक्टर में क्या होता है, इंश्योरेंस सेक्टर में भी पैसा आपका ही रहता है, पब्लिक में ही बांटा जाता है, लेकिन बीच में इंश्योरेंस कंपनी अपना बेनिफिट लेती है, पैसा पब्लिक का दिया जाता है पब्लिक को, लेकिन बीच में जो मलाई खाती है वो कौन खाता है, जो मीडिएटर है वही का। ओके,
कई सारे लोग है, कुछ लोग अच्छे हैं कुछ लोग बुरे हैं, ऐसा नहीं मैं कहूंगा सब लोग बुरे हैं। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, सेल होता है बाय होता है, बाय होता है सेल होता है, बाय सेल के बदले में और दूसरा कुछ होता ही नहीं। वहां पे कोई नोट छापने का तो मशीन है नहीं कि आपने 1 लाख दिया तो 10 लाख मिलना है तो नोट छाप के दे दिया। तो आपको भी पता है सर्कुलेट हर जगह पे होता है, सर्कुलेशन हर जगह पे होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर भी आपको एक दूसरे को हेल्प करने का ही सर्कुलेशन है। आज जो नए लोग है जो किसी को जूने लोग के तो कल जूने होने वाले, तो फिर नए लोग आने वाले, वो नए लोग किनको करने वाले, हेल्प करने वाले, फिर आपको हेल्प करने वाले, फिर आपने किसी को हेल्प किया इसके लिए आपको कोई हेल्प करने वाला है। यहाँ पर किसको हेल्प करना चाहिए किसको नहीं ये आपको डिसाइड करना नहीं है, आपको सिर्फ कम्युनिटी में आना, हिस्सा बनाए ग्लोबल लेवल पे। यहाँ पे कितने सारे दुनिया भर के लोग, ना कि आप यहाँ पे इंडिया की बात कर रहे हो, वर्ल्ड लेवल पे काफी सारे देशों में ये सिस्टम चल रहा है एमएम ग्लोबल का। इसलिए हेल्प देते समय लेते समय हम किसको देने वाले वो डिसाइड सॉफ्टवेयर करेगा, हमें कौन देने वाला है वो डिसाइड सॉफ्टवेयर करने वाला है। इसके लिए आपको ये टेंशन लेने की जरूरत है सर मेरे को कौन मदद करेगा, भाई आपको मदद करने के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जब हेल्प देने वाले हो तो कम्युनिटी बताएगी कि आपको किसको देना है पर्सन को, और जब आपकी बारी आएगी तो आपको किसको मिलना चाहिए कौन देने वाला है वो कम्युनिटी डिसाइड करेगी। ओके, तो इस कदर से अगर बात करेंगे हेल्प रेवोल्यूशन है, सोशल नेटवर्किंग है। ओके, यहाँ पर कैपिटल क्रांति होती नहीं है, यहाँ पे कोई कंपनी है नहीं है जो कंपनी को पेमेंट देना है, ना कि कोई अपलाइन है ना कि अपलाइन को पेमेंट देना है। तो यहाँ पे क्या करना है, चैरिटी डोनेशन गिफ्ट और हेल्प भी करना है। ओके, तो ये मीडिएटर कभी थोड़ा बहुत मीडिएटर भी जरूरी है, नहीं रहेगा तो कहीं, जैसे शादी करने के लिए पंडित का काम क्या रहता है, शादी करवा के देना, बस उसका रोल वहीं पे खत्म हो जाता है। फिर उसके लाइफ में जिंदगी आगे जीने के लिए फिर वो दो लोग सोचते हैं, मियाँ बीवी सोचते क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन पंडित रहना क्यों जरूरी है कि एक बार तो मिलाने का काम कर दिया, शादी कराने का काम कर, वैसा ही एमएम ग्लोबल आपको क्या करे ऐसे मीडिएटर का ही काम करेंगे। लेकिन ये मीडिएटर होना भी जरूरी है, लेकिन वो ऐसा नहीं है बीच में जिंदगी भर आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं करे, जैसे कि बाकी बैंक में होता है, इंश्योरेंस में होता है, स्टॉक मार्केट में होता है, हमेशा करते, वैसा नहीं। एक बार करने का काम उनका, एक बार आपको मिलवाने का काम होता है, जैसे ओला उबेर वाले क्या करते हैं, टैक्सी ड्राइवर है और कस्टमर है उनको मिलाने का काम करते हैं, वैसे ये सिस्टम में भी यही होता है। ओके, फाइनेंस में क्या होता है, ये एक्सचेंज का सिस्टम है। ओके, एक्सचेंज में भी वहां पर इस तरह से बेनिफिट होता है। ओके, आज 1 मारो इज इक्वल टू 1 BTC, शायद ये बात किसी को ज्यादा ही लगा, 1 BTC के हिसाब से 1 मारो, हाँ भाई अगर आप चाहेंगे तो मिलकर इस कम्युनिटी के माध्यम से इतना अपन बढ़ा सकते हैं कि 1 मारो इज इक्वल टू 1 BTC हो सकता है और होने वाला है और हम करने वाले हैं। ओके, क्योंकि एक कम्युनिटी में काफी सारे लोग जुड़ रहे हैं। तो 7 टाइप्स ऑफ बेनिफिट यहाँ पे थोड़ा सा अपन समझने की कोशिश करेंगे। चलो कम्युनिटी में अभी तक मैंने जो वे बताया, हिस्ट्री बताया, पास्ट बताया, लेकिन इससे पहले अभी क्या करना चाहिए कि सही में बेनिफिट कितना मिल रहा है, क्या मिल रहा है। ओके, ये भी थोड़ा सा जानने की समझने की जरूरत है, समझनी पड़े। ओके, और ये समझेंगे ओके तो ज्यादा फायदा होगा। तो 7 टाइप्स ऑफ बेनिफिट क्या है, तो सबसे पहला बेनिफिट है डेली 1% और मंथली 30% का ग्रोथ, जो शायद ही आज की डेट में आपको ये बात ज्यादा लग रही होगी। आप बोलेंगे बैंक को तो डबल करने में 7 साल लगते हैं, 9 साल लगते हैं, और यहाँ पे तो आप 30% का ग्रोथ दे रहे हो। भाई बैंक को इसलिए लगता है क्योंकि बैंक के पीछे खर्चे दुनिया भर के दुनिया भर के खर्चे आप सोच भी नहीं सकते, इतने सारे उनकी शाखाएं हैं, उनके इतने सारे ATM है, उतने सारे कंपनी उनके जॉब करने वाले लोग है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो सॉफ्टवेयर सिर्फ जनरेट कर रहा है, एक टाइम जैसे कोडिंग करना है कोडिंग हो चुका है, इसके लिए यहाँ पे खर्चे ज्यादा नहीं। इसके लिए यहाँ पर आपने को पॉसिबल है देना, लेकिन वहां पे पॉसिबल नहीं। एक उदाहरण दे रहे, समझो 1000 के लिए यहाँ पर डॉलर की हेल्प होने वाली है, आप देने वाले हो तो आपको क्या मिलेगा। तो पहले तो आपको डेली 1% के हिसाब से $10 आपको ग्रोथ मिलेगी। दूसरा, आपको 1000 की हेल्प आपने दे दिया डॉलर की, तो आपको पहले 10% का देना पड़ता है, फिर 40% का, 50% जैसे आपने दे दिया तो 20% क्या होता है स्टोरेज फंड के रूप में आपको 1 टाइम में मिलता है। इसके लिए आपको चकने के लिए मोरो 20% मिल जाता है, फिर बाद में 50% जो बचा है आप वो कंप्लीट करते हो। तो जैसे $1000 के आपने क्या हेल्प कंप्लीट हो गया, 14 दिन आप रुकते हो, 15 दिन के बाद में आप हेल्प ले सकते हो, हेल्प दिया भी हेल्प लेना। ओके, तो प्रोवाइड हेल्प और गेट हेल्प ये तो मैटर करो, प्रोवाइड हेल्प मतलब मदद देना, गेट हेल्प मतलब मदद लेना, और दोनों के लिए आपको बेनिफिट मिल सकता है। ओके, तो जैसे आपने मदद दे दिया तो आपको डेली में क्या हो रहा है, आपको हेल्प मिल रही है। ओके, तो $10 के हिसाब से 15 दिन आप रुके तो $150, $1000 का आपने हेल्प किया था तो 1150 रेडी है। लेकिन ये रेडी हुआ आपको कब मिलेंगे, तो आपको भी पता है कि आज की डेट में अगर बात करने जाएंगे 50% के हिसाब से अगर बात करेंगे, आपको हेल्प दे रहे 50% बचा हुआ है, तो 50% में से अगर आप चाहेंगे
आप यहाँ पे एक नोट डाउन कर सकते हो सिस्टम को। सिस्टम क्या है? सिस्टम ये कहती है कि शुरुआत करते समय आपने हेल्प दिया तो आपको हेल्प मिलेगा, लेकिन रिकमिटमेंट भी करिए। क्यों रिकमिटमेंट करिए? ताकि आप मार्केट में ये सिस्टम अपने को लॉन्ग लाइफ चलती रहे, सोशल एक्टिविटी है तो ये लॉन्ग लाइफ तक चलती रहे, इसके लिए रिकमिटमेंट करना बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत सारे लोगों से सर पहली बार तो हेल्प किया था, फिर अभी दोबारा क्यों हेल्प कर? आप पहले समझ के ले, फिर आपको लगेगा ये करने में मेरे को बेनिफिट। समझो पहली बार में आपने हेल्प किया तो आपको उसका बेनिफिट मिल रहा है, सेकेंड टाइम रिकमिटमेंट कर रहे हो तो आपको क्या होगा 10% और उसके बाद में 40%, जैसे 50% किया तो 100% जो 1150 है वो आप हेल्प ले सकते हो। तो आप बोले तो यार 50% तो हमारा ये है ना सिस्टम है ना, तो उसके लिए फिर से ग्रोथ चालू हो गया ना भाई डेली 1% के हिसाब से, और फिर बचाओ 50% वो भी कंप्लीट करो, फिर 100% हो जाएगा। फिर ये साइकिल है, साइकिल है, जैसे अपन साइकिल का पैंडल घुमाते हैं, एक पैंडल जब अपन मारते हैं तो दूसरा पैंडल ऊपर आता है, दूसरे को मारते हैं तो पहला ऊपर आता है, तो साइकिल जैसा घूमता है तो वैसे ही अपने लाइफ में भी अपने को क्या करना है, हेल्प का जो साइकिल है वो आप चाहे तो 15 दिन में चाहे महीने में घुमा सकते हो। तो उससे क्या का उसका फायदा क्या होगा, आप 1000 दे रहे तो 1150 ले रहे, महीने तक रुके तो 1300 मिलने वाले। ओके, तो ये ग्रोथ डेली 1% मंथली 30% ईयरली 65% की करते आपको ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। सेकंड बेनिफिट है आप मोरो टास्क। ये क्या है? अभी सोशल मीडिया का बहुत अच्छी तरह से अपन फायदा उठाते हैं, इंटरनेट का जमाना है आपको पता है, सुबह से लेकर शाम तक अपन तो मोबाइल पे ही रहते हैं, ज्यादा से समय अपना मोबाइल पे जाता है, सोशल मीडिया पे जाता है, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम दुनिया भर का। तो अभी तो वहां से सोशल मीडिया से आपने को इन्फॉर्मेशन मिलती है, नॉलेज बढ़ता है, लेकिन पैसा नहीं बढ़ता ना भाई। हाँ, लेकिन यहाँ पे आप वो कर सकते हैं, यहाँ पे आपको एक अच्छा बेनिफिट है। सुबह में से 4 से 5 मिनट बहुत हुआ तो 7-8 मिनट का जो वर्क है, ओके, वर्क क्या है? आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, जिसमें आपने ये सिस्टम, ये टेक्नोलॉजी का जो पार्ट है या टेक्निक का पार्ट है, आपको बहुत बढ़िया तरीके से जब सिस्टम में आप एंट्री करोगे तो आपको उसके बारे में बताया जाएगा, इस तरह से आपको शेयर करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, 5 मिनट का काम है। लेकिन वो करने से फायदा क्या होगा, जितने की आपने हेल्प की है, जितने की आपने हेल्प की है उसमें आपको 10% और बढ़ा के मिलेंगे। 10% क्या मिलेंगे? बढ़ा के मिलेंगे। फायदा क्या अच्छा है? हाँ भाई, एक 5 मिनट का काम में से महीने का अगर अपने को 10% का फायदा हो रहा है तो करने में क्या तकलीफ है? ओके, 10% एक्स्ट्रा मिल रहा है। वेलकम का भी आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वेलकम का भी बेनिफिट मिलता है, वो भी 3% मिलता है। ओके, वो भी अपन चाहे तो यहाँ पे ले सकते हैं, डायरेक्ट रेफरल बोनस। जो मैंने यहाँ पे डेली 1% और मंथली 30% का ग्रोथ बताया, वो अगर और टास्क जो बताया उसके लिए आपको रिकमेंडमेंट करना कोई जरूरी नहीं है, किया तो आपका बेनिफिट है, नहीं भी किया तो आपको वो तो मिलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर रेफरल करते हो किसी और को बारे में या किसी और को भी इस कम्युनिटी के बारे में अगर बताते हो तो आपको भी पता है कम्युनिटी ऑटोमेटिक नहीं बढ़ती, अगर हम और आप चाहेंगे तो कम्युनिटी बढ़ने वाली। तो डायरेक्ट रेफरल बोनस में क्या होता है, 5% आपको एक्स्ट्रा मिलता है। ओके, क्योंकि आपने काम किया है, एक्स्ट्रा आपको काम किया इसके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। यहाँ पर मैनेजर बोनस, ग्राइंडर पर अपन गाइड करते, किसी को गाइड करते हैं तो गाइड करने का भी आपको इसका एक अलग से बेनिफिट मिलता है। वो कितना है? अपन फर्स्ट लेवल पे 5%, सेकंड लेवल पे 3%, थर्ड लेवल पे 1%, फोर्थ लेवल पे 0.5, फिफ्थ लेवल पे 0.25, सिक्स लेवल पे 0.20, इस तरह से आपको इसका बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। और उसके बाद अनलिमिटेड डेप्थ तक 0.01, नो कैपिंग, नो बर्निंग, यहाँ पे कोई भी उसके लिए कंडीशन नहीं है। आप जितने भी चाहे डेप्थ में आपके नीचे काम हो गया तो भी उसका आपको ये बेनिफिट मिलेगा। डायरेक्ट रेफरल बोनस आपको कितना मिल रहा है? डायरेक्ट रेफरल बोनस आपको जिस तरह से अगर तो बात करेंगे, डायरेक्ट रेफरल गाइडर बोनस जो आज की डेट में शायद ही किसी सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा मार्केट में। एक तो सब चल रहा है तो कंपनी लेवल पे काम चल रहा है, कम्युनिटी लेवल पे, आइडियोलॉजी लेवल पे शायद कोई सिस्टम चल ही नहीं रहा है। पर यहाँ पे आपको जो सिस्टम में आप मैनेजर बनो, लोगों को मैनेजर बनाओ, आप मैनेजर बनो। मैनेजर बनने के लिए कंडीशन क्या है? आप 10 डायरेक्ट करो, 20 डायरेक्ट करो, आपको मैनेजर का पद भी मिल जाएगा। तो उसका आपको एक अलग से बेनिफिट मिलेगा। क्या? जितने चाहे लोगों को आप डायरेक्ट करो, जितने चाहे लोग आपके डायरेक्ट करेंगे तो उसका फायदा क्या होगा, आप जितने चाहे हो सामने वाले को मैनेजर बना दे, आप खुद मैनेजर बन गए, वो भी बन गया, तो वो 30% का ग्रोथ छोड़ के, 30% का ग्रोथ और जो उसका वेलकम का है वो छोड़ के, वो जितना भी कम्युनिटी के हिसाब से, वो लेवल के हिसाब से कमा रहा है, जितना भी बेनिफिट ले रहा है वो बेनिफिट, अगर वो 1 लाख ले रहा है तो आपको 50,000, वो 50 ले रहा है तो आपको 25, तो जो भी अगर बढ़ भी गया तो आपको भी बढ़ा के मिलने वाला है। तो 50% का आपको क्या मिलता है? डायरेक्ट रेफरल गाइडर बोनस मिलता है। और लास्ट का सबसे अच्छा है कि सिस्टम ने कार्ड सिस्टम दिया हुआ है, डिजिटल मारो है,
तो फ्यूचर में उसको अपने को बढ़ाना है। ओके, तो जनरल कार्ड के हिसाब से अगर बात करेंगे तो आपको जैसे जुड़ते हैं तो जनरल कार्ड मिलते हैं, जब आप मैनेजर बनते हैं तो सिल्वर कार्ड मिलता है। गोल्ड के लिए अगर बात करने जाएंगे तो गोल्ड कार्ड लेने के आपको या 100 मैनेजर बनना, फिर 1 के बनेंगे तो प्लेटिनम कार्ड मिलता है। तो इस तरह से ये कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी के काफी सारे लोग हिस्सा बन चुके हैं, काफी सारे लोग वर्ल्ड लेवल पे बहुत अच्छा बेनिफिट उसका ले रहे हैं। ओके, आपने जो अपना कीमती समय दिया, जो आपने मुझे सुना और ये आइडियोलॉजी के ऊपर आपने भी कम्युनिटी में आप भी हिस्सा बनिए, पार्ट बनिए और बहुत ही अच्छा जो इसका ग्रोथ का है वो फायदा उठाइए, ऐसा मुझे लगता है। अभी एक जो सेशन बचता है वो शेयरिंग का सेशन है, तो पहले सबसे पहले मैं शेयरिंग करने के लिए मैं उन लोगों के लिए कहूंगा जो लोग इस कम्युनिटी का ऑलरेडी हिस्सा है, जो लोग चाहते हैं इस कम्युनिटी के में बहुत ही बढ़िया तरीके से और भी बढ़े और अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, जो आपने इसका बेनिफिट लिया है तो अनुभव शेयर करना चाहते हैं, वो लोग अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं, रेस हैंड कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन अप्लाई, अगर आपके कुछ सवाल है तो जिन्होंने आपको जूम मीट लिंक दिया हुआ है, मतलब जूम मीटिंग का जो लिंक जिन्होंने दिया हुआ है, उनसे आप क्या कर सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हो। क्योंकि अभी सवाल जवाब का सेशन जो है वो टेक्निकल कुछ सवाल जवाब रहेगा या कुछ भी रहेगा आपका, तो आप क्या कर सकते हो, या तो उसके लिए शाम को 7 बजे का सेशन भी अटेंड कर सकते हो, या फिर आपने जिन्होंने आपको लिंक दिया उनसे भी आप रूबरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे अतुल सर है जिन्होंने यहाँ पे हाथ ऊपर किया है, सर को थोड़ा सा मैं बोलने का मौका दूंगा। सर मैं आपको अनम्यूट कर चुका हूँ, आप बोल सकते हैं। सर मॉरो मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग बोलिए। बहुत अच्छा सेशन रहा सर आज का, आज आपने बहुत अच्छा प्लान प्रेजेंटेशन किया, जितने नए लोग आए हैं सबको इसका बहुत फायदा मिलेगा, और जो भी थोड़ा बहुत अगर उनको डाउटफुल है, क्वेश्चन है, वो अपने अपलाइन से संपर्क कर सकते हैं। और सर मेरे ख्याल से सारा इनकम पार्ट, किस प्रकार से सिस्टम इनकम देता है, कैसा हम यहाँ पे हमको काम करना है और कैसा ये अपना कम्युनिटी काम कर रहा है, सोशल अपना सोशल नेटवर्किंग जो है, यहाँ पर हम एक क्रांति कर रहे हैं सर हम, जहाँ तक आप बहुत अच्छे से समझो, क्योंकि यहाँ पे कोई कंपनी नहीं है, नो अपलाइन, एक चैरिटी है, एक डोनेशन है, एक गिफ्ट का हेल्प है, एक खुशियां यहाँ हम सर बांट रहे हैं, ऑनलाइन फ्री मनी का एक जो प्रोग्राम है, हम आपस में एक कम्युनिटी बना के काम कर रहे हैं, जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं है सर, यहाँ पर एक कम्युनिटी है जहाँ पर हम मदद की भावना से आ रहे हैं, किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई भी परहित का काम नहीं है, एक दूसरे को मदद करते रहना है और मदद देते रहना है, और सोशल हेल्पिंग एकदम यहाँ पर अपन मदद कर रहे हैं, टुगेदर विद द चेंज द वर्ल्ड, हमको मदद करके यहाँ पर कम्युनिटी पैदा करनी है, जो MMM जो सरजी मोरारजी की जो सोच थी आज से 30-35 साल दिनों ने जो सपना देखा था, उस सपने को सर अपन को यहाँ पर साकार करना है, क्योंकि यहाँ पर कोई MLM इन्वेस्टमेंट प्लान या कोई कंपनी या प्रोडक्ट नहीं बेचना है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मदद करना है और एक ग्लोबल सोशल फाइनेंशियल सिस्टम नेटवर्क है जो यहाँ पर अपन को यहाँ पर बनाना है, स्मार्ट हेल्प रेवोल्यूशन, मदद करना है और मतलब बस इतना ही काम करना है लोगों को, क्योंकि यहाँ पर मैनेजर बनना और मैनेजर बनाने का सर यहाँ पे काम है, एक दूसरे को हेल्प करते हुए, सिस्टम के बारे में समझाते हुए, मारो क्या है उसके बारे में बताते हुए, कैसे गेट हेल्प करना है, कैसे प्रोवाइड हेल्प करना है, कैसे आपको मारो जनरेट करना है, कैसे आपको मारो कार्ड से फिर सिस्टम में पेमेंट करना है, क्योंकि यहाँ पे सर रिवॉल्यूशन, यहाँ पे देखिए अपन को गैस फीस भी नहीं लग रहा है सर, कितनी खास बात है, सिर्फ मारो कार्ड जनरेट करेंगे, क्लिक करेंगे, दूसरे को मारो ट्रांसफर हो जाता है, जैसे ही मारो कार्ड से क्लिक करेंगे पेमेंट कंफर्म हो जाता है, कितनी अच्छी बात है सर, ये सही बात है, बहुत जबरदस्त है सर, और मिनटों क्या सेकेंडों में सर यहाँ पर मारो आता है, खुशियां आती है, खुशियों की बरसात होती है सर, धीरे धीरे लोग इस सिस्टम में आएंगे, धीरे धीरे लोग इस सिस्टम को जब समझेंगे, इसका मैकेनिज्म समझेंगे, इसका पावर समझेंगे, तब लोगों को समझ में आएगा सर, जितने भी नए लोग आए हैं सर उनसे मेरे रिक्वेस्ट है, आप आए हैं सिस्टम में, बहुत आपका वेलकम है सर, आपने इस सिस्टम को देखा, जिसने भी सिस्टम में आपको आज मतलब बुलाया है वो कहीं ना कहीं आपका शुभचिंतक है, जो कि आपको इस सिस्टम में लाया है, इस सिस्टम के बारे में बता रहा है, अगर थोड़ा सा भी अगर आपको डाउटफुल है अपने अपलाइन से बिल्कुल पूछिए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ फोन में बात करिए, सिस्टम के बारे में और जानकारी लीजिए, डीप में जानकारी लीजिए, तब आपको इस सिस्टम के बारे में और अच्छा नॉलेज आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम जो फ्री मनी है सर, फ्री मनी लगाना है, नॉट किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट करना है, और उसके बाद आप देखेंगे सिस्टम का पावर, धीरे धीरे आपको ये सिस्टम नीचे से लेके ऊपर तक ले जाएगा, अर्थ से लेके फर्श से लेके अर्थ तक ले जाएगा, इज द मैकेनिज्म ये सिस्टम का, यहाँ पे मैंने देखा है लोगों को इतना मतलब हेल्प के द्वारा अपने जीवन को बदलने का, अपने समय से को लगा के अपने आप को पूरा पूंजीगत रूप से आगे बढ़ाने का, बहुत ही अच्छा ये सिस्टम है, और इसकी मतलब जितना मतलब मैं शब्दों में इसकी बड़ाई नहीं कर सकता, और सर आपने जो आज ये प्लान बताया है एकदम
बहुत ही अच्छा प्लान बताया सर आपको, मैं बहुत ही मतलब बधाई देता हूँ सर, आपने इतना अच्छा प्लान बताया सर। लोगों को मतलब शुरू समझ में आया, पहला इनकम, दूसरा इनकम, तीसरा इनकम, चौथा इनकम, पांचवा, छठवा, मतलब इतने प्रकार के इनकम आज किसी प्लान में नहीं है सर। सही बात। तो बहुत ही अच्छा सर रहा, क्योंकि ये एक सोच है, एक आइडियोलॉजी है सर, हम उस आइडियोलॉजी को नीचे से लेके पूरा लोगों तक पहुंचाना है सर, क्योंकि एक क्रांति का लोग हिस्सा बनेंगे तभी उनको समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर हम अगर बोले कि हम पैसा लगा दिए फिर हमको पैसा, ऐसा अगर सोच रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाए। यहाँ खुशियां ले रहे हैं, खुशियां बांट रहे हैं सर। हेलो, सही बात, सही बात है सर। यस सर, जी जी सर जी, बहुत ही अच्छा लगा सर मेरे को आज सेशन में। मैं शुरू से सुन रहा था सर, सेशन में आया और एक एक चीज आपने पूरा बताया कि जो भी चीज कर रहे हैं हम आपस में कर रहे हैं, हमारा लेन देन होता है। जो भी, जैसे कोई भी रेवोल्यूशन हो रहा है, कोई भी पार्ट होता है, उसमें कम्युनिटी ही पार्ट रहता है, कम्युनिटी का ही लेन देन होता है, तब वो सक्सेसफुल होता है। आज जो भी बने हैं वो पब्लिक के कारण बने हैं, पब्लिक का लेन देन ही उसको आगे बढ़ाता है। तो हम इस पार्ट को अगर अच्छे से समझ जाएंगे तो हम इस रेवोल्यूशन को अच्छे से कर पाएंगे। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर। ऑलरेडी सबसे खुशी की बात है यहाँ पर आपने मौरू जी एक्चुअली उपस्थित हो चुके हैं, तो जो टेक्निकल कुछ बातें हैं वो भी आपको क्लियर करेंगे। बहुत सारे लोगों को जो डाउट रहता है या फिर बहुत सारे लोगों को ये भाई ये वेबसाइट क्या है, किस तरह से लोगों को हेल्प करना है, क्या करना है, थोड़ा सा वेबसाइट के बारे में सर अपना थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी देंगे, और कुछ आपके टेक्निकल सवाल भी रहेंगे टेक्निकल से रिलेटेड या कुछ और भी, तो उसके लिए भी सर ऑलरेडी अवेलेबल हो चुके हैं। तो बहुत अपने लिए खुशी की बात है। तो सर को ज्यादा वक्त ना, और आपके बीच में ज्यादा वक्त ना लेते हुए सर को मैं थोड़ा सा रूबरू करना चाहूंगा। सर प्लीज वेलकम, और ये और हमारे जो मारोडियन यहाँ पे आए हुए हैं, जो नए पार्टिसिपेंट हैं, उनको थोड़ा सा आपका ज्ञान बांटिए सर। यस सर, प्लीज सर। यस सर, मोरो मॉर्निंग सर, मोरो मॉर्निंग। आपने सर बहुत अच्छा एक्सेलेंट सेशन लिया, यहाँ पे सभी हमारे मारोडियन शेयरिंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लगा। मैं थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू आ गया और थोड़ा एक पर्सनल काम की वजह से आज लेट हुआ, तो सॉरी फॉर दैट, लेकिन नो प्रॉब्लम सर। मारोडियन दत्ता सर, अमेजिंग आपका जो नॉलेज आज, आपने भी 2012 से हम साथ में है एक रियल मारोडियन करके, आप भी हमारे साथ में बहुत अच्छा कार्य करते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको कि आज आपने पारी संभाली। और यही है मारोडियन की खासियत कि एक दूसरे को मदद करते, हेल्प करते हैं, एक दूसरे के जीवन में परिवर्तन और बदलाव लाते हैं। तो चलिए, किसी को कुछ टेक्निकली पूछना है और शेयरिंग ये कर जानना है, शेयरिंग भी कीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे नए लोग हैं जो मुझे पहली बार सुनते हैं, या तो वर्ल्ड वाइड सभी लोग यहाँ पर आते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, शेयरिंग करना है, क्योंकि शेयर करेंगे तो पता चलेगा। जैसा अतुल उपाध्याय सर ने बहुत अच्छा शेयरिंग किया कि आज दुनिया में जो एक महंगाई के वजह से, इन्फ्लेशन के वजह से पैसे को लेकर झूंझ रहा है आम आदमी, आज पैसे को लेकर झूंझ रहा है, इतने प्रेशर में, परेशानी में है, हम देख रहे हैं इस पेंडेमिक या कोरोना के सिचुएशन में। और उसी समय आज जैसा 1980 में रशिया में भी ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, तब सर्गी मौर्य जी के इसी मैकेनिज्म मॉडल ने बहुत कामयाब बनाया था, और उसी मैकेनिज्म मॉडल को एक्स्ट्रा ओवर स्मार्ट मारोडियन ने मिलकर आज ये सिस्टम आगे चलकर लेकर जा रहे हैं, आगे ये कारवा, ये रिवॉल्यूशन को लेकर हम आगे जा रहे हैं, माइंड ब्लोइंग सिस्टम है। तो चलिए सुनते हैं हमारे मारोडियन के रूबरू, सचिन राजे जी कुछ शेयर करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। यस सचिन राजे सर, मोरो मॉर्निंग। हाँ सर, मोरो मॉर्निंग सर, मॉर्निंग सर, मोरो मॉर्निंग। यस सर, हाँ सर, मेरे को स्टोरेज फंड का गेट हेल्प आया है। गुड गुड, कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत। मेरे साथ दो जन जुड़ गए अभी, वो भी बहुत खुश है इस सिस्टम से, एकदम जबरदस्त सिस्टम है सर। और उसमें एक पॉइंट जो है वो गैस पीका वगैरह लफड़ा नहीं पहले जैसा, अभी वो एकदम फास्ट होता है, जबरदस्त है। आपका आईडी पासवर्ड मेरे पास नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, स्टोरेज फंड आपको आया है बराबर है, स्टोरेज फंड आया, उसको क्या यूज करना है, कंज्यूम करना है, क्या ट्रांसफर करके विड्रॉ मारना है, क्या करना है? पट्टिया है वहाँ पे, अभी वो मारो कार्ड में नहीं जमा होगा। हाँ, वो जमा हो जाएगा ना, जैसे ही टाइमिंग खत्म हो जाता है तो आपके मारो कार्ड में वो बैलेंस लोड हो जाता है सर। लेकिन उसके बाद में लेटर लिखना पड़ेगा क्या? हेलो, हाँ हाँ, हेलो, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। हेलो, लिखना पड़ेगा सर, यहाँ पर मदद मिलती, अभी देखिए ट्राई कीजिए।
वो जरा दिखा सकते हैं जी, जी आपको मेरी आवाज आओ। हाँ अरे अभी अभी क्लियर आ रही है, ये देखिए सर यहाँ पे सामने दिख रहा है सर ये, चलिए लाइव ये देखिए इस आईडी के ऊपर स्टोरेज फंड आया है ये $40 ने, प्रोवाइडल कितने का है $200 का है यहाँ पे आप देख सकते हैं। एग्जैक्ट मोमेंट मुझे इस आईडी पे स्टोरेज फंड आया वो मैं थोड़ा सा समझा कर आपको यहाँ पर बताता हूँ। हथौड़ी का बहुत आवाज आ रहा है, कुछ तो टोका टोकी का आवाज आ रहा है, थोड़ा सा ये करेंगे क्या? अच्छा नहीं सर नहीं सर, तो यहाँ पर जस्ट बाजू में काम चलते हैं। हाँ थोड़ा सा आप बाजू में तो चल जाएगा। ये देखिए सामने देखिए यहाँ पे ये स्टोरेज फंड, आपको भी ऐसा रिक्वेस्ट लगी होगी, स्टोरेज फंड दिख रहा है सामने सचिन राजे सर? ओके हाँ दिख रहा है। आपका मावरो कार्ड में ये बैलेंस जमा हो जाएगा, ये जो मावरो बॉक्स दिख रहा है ये मावरो बॉक्स में आपके ये मावरो कार्ड में ये बैलेंस आपको यहाँ पर दिख जाएगा आपका स्टोरेज फंड का। ओके तो जैसे ये फंड आएगा तो आपको एक्टिवेशन के लिए यूज करना है तो इधर एक्टिवेशन में ट्रांसफर कर सकते हैं, अगर आपको ये विड्रॉ मारना है तो एक्सचेंज में जाकर आप मावरो एक्सचेंज करेंगे। और आपका मान के चलो कौन सा करेंसी पेयर है सर आपका, ट्रोन है क्या? आपको जितने भी मावरो का स्टोरेज फंड है आपका अवेलेबल जो भी है, मान के चलो आपके पास $50 है, तो जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी डालते ही हो जाएगा सर विड्रॉ आपका। बहुत आसान है और इजी है सर एकदम। और लेटर कैसे लिखना है जरा बता सकते हो? हाँ जी हाँ जी, एक मिनट है, जस्ट अ मोमेंट, मैं लेटर ऑफ हैप्पीनेस यहाँ पे, एनीबॉडी हैव द हैप्पीनेस लेटर? अभी आपका आईडी पासवर्ड नहीं है तो मुझे थोड़ा सा, जस्ट अ मोमेंट, किनका है जस्ट अ मोमेंट, कौन सा आईडी पे हैप्पीनेस लेटर है क्या देखता हूँ, ताकि मैं हैप्पीनेस लेटर कैसे लिखते हैं ये भी दिखाता हूँ। हमारे मित्र हैं उनके लेटर ऑफ हैप्पीनेस का आपका आईडी पासवर्ड शेयर कर सकते हैं क्या मुझे, ताकि मैं आपको लिख के बताने दे। एनीवे मैं चूंकि मैं देखता हूँ और दूसरा कोई है क्या उनका हैप्पीनेस लेटर लिखने के लिए कुछ, सब लिखे हुए हैं लेटर ऑफ हैप्पीनेस का आईडी में, आईडी 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 किसी का, अगर लेटर ऑफ हैप्पीनेस लिखने का आईडी रहा तो प्लीज मुझे मैसेज बॉक्स में बताइए ताकि मैं लाइव दिखा सकूं, या तो फिर वी विल ट्राई और बेस्ट कौन सा आईडी मिलता है कि देखेंगे कि जहां पे लेटर ऑफ हैप्पीनेस। ये भी स्टोरेज फंड आया है, ओके और एक आईडी ट्राई करते हैं उसके। ठीक है सर, आप खाली बता दो। हाँ मैं बताता हूँ मैं, लेकिन मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि आपके थ्रू सभी को समझ में आ जाइए। देखिए जैसा लेटर ऑफ हैप्पीनेस कंटिन्यू लिखना है, जब तक हम लेटर ऑफ हैप्पीनेस नहीं, ये देखिए दैट्स इट, मिल गया। यहाँ पे देखिए आपकी विंडो दिख रही है, मैं मेरा कर्सर दिखा रहा हूँ, मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है ना यहाँ पे, मेरी स्क्रीन और मेरी यहाँ पे मैं ये देखो लेटर ऑफ हैप्पीनेस दिख रहा है यहाँ पे, आपको भी ऐसा दिखेगा लेटर ऑफ हैप्पीनेस। इस पे आपको क्या करना है, पहले आपको ये मान के चलिए कि इन्होंने बीटीसी में प्रोवाइड हेल्प किया है 0.005 और इनको आज गेट हेल्प भी मिला है, तो यहाँ पे क्लिक करना है लेटर ऑफ हैप्पीनेस पे। ओके यहाँ पे ये दिख रहा है सर आपको, ओके पहले क्या करना है, जो मदद मिला है उसका स्क्रीनशॉट निकाल कर लेना है, ताकि मुझे मदद मिला है। जैसे ये दिख रहा है 0.005 BTC आया हुआ है, बराबर है? ओके तो यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट मोबाइल के क्रॉप भी कर सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ना ये आपका ये स्क्रीनशॉट निकल गया है यहाँ पे। अभी क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे आना है लेटर ऑफ हैप्पीनेस पे, यहाँ पे पांच सेंटेंस लिखे, ये पांच यहाँ पे इसमें होना चाहिए। पहला आ जाएगा कि यूर नेम, यहाँ पे लिख देना है हेलो मावरोडियन फैमिली, माई नेम आपका नाम डालना है, माई नेम इज अभी यहाँ पे विक्टर है, विक्टर है। स्टेटस क्या है, पार्टिसिपेट, आई एम अ पार्टिसिपेट, बराबर है ना? अगर वो मैनेजर नहीं है तो आई एम अ पार्टिसिपेट स्टेटस डाल दिया। फिर तीन नंबर रेसिडेंस, कौन से कंट्री से हो, आई एम फ्रॉम इंडिया डाल सकते हैं, या आपका जो भी लोकल ये भी डाला तो चलेगा, या आई एम फ्रॉम एशियन कंट्री वो डाल। द रेसिडेंस हो गया, अमाउंट, द अमाउंट ऑफ प्रोवाइड हेल्प कितना किया, हेल्प आई हैड डन, I had done is
0.005 BTC का इन्होंने प्रोवाइड हेल्प किया ऑन द डेट. कौन से डेट में किया है? 26. यहाँ पे नीचे दिख रहा है सर, यहाँ पे देखो विक्टर विजय पीछे दिख रहा है, 26/8/2020 एंड आई गॉट कितना मदद मिला है यहाँ पे, तो यहाँ पे दिख जा रहा है देखिए 0.005 BTC आई गॉट गेट हेल्प. मुझे कितना गेट हेल्प मिला? आई गॉट गेट हेल्प 0.005 BTC ऑन द डेट ऑफ, कौन से डेट पे मिला है? 22/9/2020 सो आई एम वेरी हैप्पी. ओके कितना डाल दिए तो हो गया सर. यहाँ पे लिख सकते हैं कि जस्ट प्रैक्टिकली आप कोई अच्छा मैसेज आप देना चाहते हो दे सकते हैं, प्रैक्टिकली हेल्प इन दिस कम्युनिटी एंड चेंज योर फाइनेंशियल लाइफ, वी कैन डू अ लॉट टुगेदर, ऐसा बोल सकते हैं. हो गया देखो लॉन्ग लिव MMM. बस सिंपल सर, ये इतना डाल दिए, ये फॉर्मेट, ये चार पांच चीजें डाल दी. यहाँ पे स्क्रीनशॉट अटैच करना अनिवार्य है, यानी यहाँ पे सिर्फ टाइप करके लिख के नहीं चलेगा, पेमेंट का प्रूफ डालना पड़ता है. जैसे यहाँ पे चूज फाइल लिख रहे हैं सचिन राजे सर, यहाँ पे चूज फाइल पे चले गए, जो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया ये देखिए, ये अटैच कर दिया यहाँ. ओके ये अटैच करते, ये ऐड टेस्टिमोनियल का बटन है ना सर, ये ऐड टेस्टिमोनियल का बटन दिख रहा है आपको सामने, मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, इस पे क्लिक करना है. सिंपल हो गया आपका लेटर ऑफ हैप्पीनेस टेस्टिमोनियल सेंट सक्सेसफुली, ये हो गया सर यहाँ पे, इतना ईजी है सर. और भी आपको बहुत सारे फॉर्मेट देखने हैं तो वेबसाइट पे आना है, यहाँ पे टेस्टिमोनियल पे क्लिक करना है. ये देखिए ये सारे हैप्पीनेस लेटर आपको दिखेंगे, देखिए ये देखिए ये मोकोन्या करके है, इंडोनेशिया से, बाली इंडोनेशिया से है ये बंदा. ओके इसने इनका डाला है देखो, आई एम गाइडर, आई एम बाली इंडोनेशिया, और इनको कितना क्या है ये डाला है, वंडरफुल सिस्टम लॉन्ग लिव MMM. बराबर ये दिख रहा है सर सामने आपको, बाली इंडोनेशिया से गेट हेल्प डाला, ये सेम लेटर ऑफ हैप्पीनेस पूरे वर्ल्ड से सभी लोग इसमें डालते हैं सर, तो ये बेनिफिट आप ले सकते हैं. यहाँ पे बहुत से लेटर ऑफ हैप्पीनेस आपको दिखेंगे, इसमें का कोई भी फॉर्मेट चूज करके आप आपका लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है ना सर? ओके सर. और संजय जी कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं सर? सचिन राजे सर, शायद सचिन राजे सर का नेटवर्क चला गया, बट एनीवे सभी को पता चला कि लेटर ऑफ हैप्पीनेस कैसे लिखना है, वो मैंने आपको बताया. अब यहाँ पे ले लेते हैं अगली शेयरिंग के लिए, सलाउद्दीन खान सर कुछ शेयरिंग करना चाहते हैं, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं सलाउद्दीन खान सर. यस सर, सलाउद्दीन सर आपके वहाँ पे स्टे अनम्यूट का बटन है, वो बटन दबाकर आप बात कर सकते हैं सलाउद्दीन खान सर. अस्सलाम वालेकुम सर. हाँ वालेकुम अस्सलाम सर. यस सर बोलिए. खैरियत से? खैरियत है सर, खैरियत है, अल्लाह फजल करे, आपकी दुआ है सर. मैं जानना चाहता था असल में आज हमारे मलिक सर से बात हो रहा था, हां करवाने के लिए आपको फोन किया था. हां मैं थोड़ा सा बिजी था. ये सिस्टम ये कह रहा है कि हम जो है एक्टिवेशन मारो पे एक्टिवेशन करेंगे, अभी और कुछ शेयर करना चाहते, पूछना चाहते हैं? अरे वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, गुड गुड, कांग्रेचुलेशन. और मैं भी उनको मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन देता हूं, बधाई देता हूं, तो मैं भी इंशाल्लाह एक दो दिन में मैनेजर हो जाऊंगा. यस सर, यस सर, जरूर सर, जरूर जरूर. बाकी सारे लोग जुड़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी सिस्टम पे आता है, जो भी जूम मीटिंग में अटेंड होता है, वो पॉजिटिवली मुझे दूसरे दिन ये बोलता है कि नहीं मेरी ज्वाइनिंग लगानी है और मुझे कुछ इसमें फंड लगाना है, मुझे प्रोवाइड करना है और गेट लेना है. कोई बंदा ऐसा नहीं है जो जूम मीटिंग में बोल के बैठ कर जो है नेगेटिव हुआ है. सही बात में आ जाती है. तो असल में क्या है, देखिए इशाक सर, बहुत सारी चीजें ऐसी जो है हमारे इसमें चल रही है सोसाइटी में, इन्होंने बहुत लोगों को लूटा है. ठीक है, तो उससे प्रॉब्लम ये होता है, उससे प्रॉब्लम ये होता है कि कैसे एक कहावत है ना, बादाम खाने से अक्ल नहीं मिलता, धक्का खाने से अक्ल मिलता है. सही बात है, सही बात है. तो कुछ लोग धक्का खा के भी आ रहे हैं. ओके भाई, यहाँ पर इतने लोगों का हमने फंड डाल दिया, ऐसा वैसा, अब देखो कंपनी बंद हो गया, कंपनी ले गया, ऐसा वैसा. तो ऐसी नेगेटिविटी के पर्सन को जो है मैं उनको जो है लाने का कोशिश करता हूँ कि भाई यहाँ पर आओ, यहाँ आने से बहुत फायदा है, और ये जो है ये कम्युनिटी ऐसी है, इतनी मजबूत कम्युनिटी बनने जा रही है और बन रही है, इसमें जो है हर आदमी जो है मायूस तो कम से कम नहीं होगा कोई इंसान. सही बात,
सही बात, सही बात। यहाँ पे इतने लोगों को खुशी आ रही है, हर कोई हैप्पी है, और यहाँ पे सभी मिलकर बड़ा काम अच्छी तरीके से मदद कर रहे हैं, एक दूसरे को ईमानदारी के साथ में मदद कर रहे हैं, एक दूसरे के जीवन में खुशहाली ला रहे, तो ये बहुत एक बड़ा ये हो जाता है। तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा सर आपने शेयरिंग किया, उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। वेलकम, ऐसे आते रहिए सर, हमारे जूम मीटिंग रहते हैं दो बार। वालेकुम अस्सलाम सर, ऐसे आते रहिए सर, सुबह 10 बजे और शाम का 7 बजे भी जूम रहता है हमारा, आपके सारी टीम के साथ आइए। ओके सर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद सर। इसके साथ हमारे आगे शेयरिंग के लिए लेते हैं यूनुस शेख सर, बहुत अच्छे हमारे टीचर है, बहुत अच्छी तरह से कुछ शेयर करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। यस यूनुस शेख सर, पूछ सकते हैं सर। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। यस खैरियत थे सर, खैरियत है, अलग तुल्लो करें आपकी दुआएं। यहाँ पर तशरीफ लाए हुए आज मीटिंग में सभी लोगों का मैं इस्तकबाल कर। यस सर, वेलकम वेलकम, थैंक यू आप म्यूट हो गए। आवाज बिटकॉइन को लेकर। हाँ जी, बिटकॉइन का अपडेट अभी क्या है, मतलब प्रोवाइड हेल्प में इसके लिए कुछ दिनों के लिए इसको रोका गया है। ये अभी अपना इसका काम चालू है ना एक्सचेंजर का। जी जी, तो इसके वजह से प्रोवाइड हेल्प नहीं कर सकते आप, वो जो बिटकॉइन है वो कन्वर्ट करके यूएसडीटी में कर सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको बताऊंगा आपका आईडी ओपन करके, आपका जब करना है तो मैं दिखा दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैं सभी एक्चुअली आपके थ्रू में सभी हमारे जो भी विद्यार्थी गण है उनको बताता हूँ। अच्छा सवाल रहा आपका, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं है कि कैसे बिटकॉइन कन्वर्ट करते हैं एक्टिवेशन मावर में। तो दोस्तों आप जैसे ही यहाँ पे जस्ट मोमेंट, ये तो यहाँ पे आप मावरो बॉक्स में चले जाएंगे, ये फॉर एग्जाम्पल ये बीटीसी में है, तो यहाँ पे देखिए कन्वर्ट टू एक्टिवेशन करके बटन एक दिख रहा है यहाँ पे। देखिए बिटकॉइन ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसफर का ये बटन आ रहा है, और सिस्टम ने क्या किया कन्वर्ट टू एक्टिवेशन के लिए आप कर सकते हैं। आपको किस कौन से मावरो कार्ड, अभी ये मावरो कार्ड में बैलेंस है आपके मान के चलिए, तो ये मावरो कार्ड पे क्लिक किए तो यहाँ पे कौन से करेंसी में आपको कन्वर्ट करना है, इथेरियम में, ट्रोन में या यूएसडीटी में। मान के चलो आप यूएसडीटी में क्लिक करते हैं और यहाँ पे डालते हैं 0.0025 ऐसा डालते हैं, और 0.0025 इतने यूएसडीटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये नेक्स्ट बोलती योर रिक्वेस्ट हैज बीन सेड सक्सेसफुली, ये ट्रांजिशन विल बी सून, यानी यहाँ पे इनको यूएसडीटी मिल जाएगा सर। ओके सर, इसका ये सिस्टम का नया आया है, बहुत से लोगों को ये पता नहीं था। अच्छा हुआ आपने पूछा, मेरा जी प्रोवाइड हेल्प आ चुका है 50% का। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, चलेगा ना, चलेगा करके ले सकते। चलिए उसी बहाने जस्ट अ मोमेंट आपका आईडी ओपन करके आपका इमीडिएटली सोल्यूशन दे देते उसके ऊपर क्या है। जस्ट यहाँ पर चले गए, यही आपकी ईमेल आईडी ना सर? जी जी, यस सर, तो वेरी गुड। ये आपका यहाँ पे प्रोवाइड हेल्प का रिक्वेस्ट लगा हुआ है, जस्ट यहाँ पे आपने क्लिक किया और यहाँ पे कंप्लीटेड बाय मावरो पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे मावरो कार्ड या ट्रांसफर मावरो में सिलेक्ट करके आप डायरेक्ट जो है यहाँ पर पेमेंट कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वो शायद आपने मुझे भेजा है बराबर सर? जी जी, हाँ जी, तो चलिए मैं लाइव दिखा देता हूँ बहुत से लोगों को कि कैसे कार्ड से पेमेंट किया जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से बहुत अच्छा सवाल रहा, बहुत से लोगों का ये सवाल रहता है कि कार्ड टू कार्ड कैसे हेल्प किया जाता है। मैं अभी क्या करता हूँ 0.023 इतने बीटीसी के आपको आपके कार्ड पे सेंड करता हूँ, क्योंकि इसका पेमेंट आपने ऑलरेडी भेजा है बराबर है ना सर? तो यहाँ पे मैं आपके कार्ड पे बैलेंस ट्रांसफर करता हूँ मेरे मावरो कार्ड से आपके कार्ड में, कार्ड टू कार्ड हेल्प करते। ये आपका कार्ड नंबर कॉपी करके ले लिया जी। ओके, ये कार्ड सिंपल कॉपी किया और यहाँ पर दूसरे वाले आईडी में जिसमें जो कार्ड में बैलेंस है, जो मौरुडेन के कार्ड में बैलेंस है, वो कार्ड के इसमें दूसरे ब्राउजर में ओपन करना पड़ेगा। जस्ट अ मोमेंट, एक ही ब्राउजर में दो आईडी नहीं ओपन होते ना, तो दूसरे ब्राउजर में ओपन करके लेट्स सी व्हाट हैपन। यहाँ पे काम करते वक्त तो बहुत मजा आता है, खुशी आती है, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। यानी आपके टीचर नया नया सीखने को मिलता है, बहुत 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 अमेजिंग लगता है। अपने पैदाइश से लेकर मौत तक सीखते रहते, सही बात है सही। और आपने एक सेंटेंस बहुत अच्छा कहा था सर, इंसान को नॉलेज लेने के लिए दुनिया के किधर भी कोपरे पे जाना पड़े तो जाना चाहिए, ऐसा हर जगह पे इसमें भी लिखा हुआ है। जैसे हमारे जो अध्यात्म में स्पिरिचुअल फरमाया इन हासिल करने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए चाहे चीन का सफर करना पड़े तो चीन का सफर को, लेकिन इल्म हासिल करो। सही बात है, सही बात है।
तो सर यहाँ पर आपका ये आईडी ओपन करके जस्ट देखते हैं कि ये कौन सा एक्टिवेशन मावरो है या मावरो है वो देखना पड़ेगा हमें, ताकि वो मावरो ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो लोग बहुत से लोग पूछते हैं सर कहाँ देखने का कि एक्टिवेशन मावरो के ट्रांसफर मावरो, यहाँ पे जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पे आई कम्प्लीट दिस पेमेंट बाय मावरो है, मावरो से, तो मावरो से पे करना है। अगर एक्टिवेशन रहा तो एक्टिवेशन मावरो से पे करना है या ओके बराबर। अभी यहाँ पे मावरो से पे करना है तो यहाँ पे बाय मावरो 0.030 मावरो यहाँ पर हम आ गए और यहाँ पे आपका कार्ड नंबर हमने कॉपी करके ले लिया। ये कार्ड पे डायरेक्ट मावरो करने का, ये भी ये दूसरे ब्राउजर पे चले गए, दूसरे ब्राउजर पे ओपन करके मैं इमीडिएटली कर रहा हूँ। यहाँ पे अभी ट्रांसफर में आ गए हम, यहाँ पे ट्रांसफर का बटन दिख रहा है बराबर। ओके मैं हाईलाइटर कर दूंगा कि स्पॉटलाइट कर दूंगा कि पता चले। देखिए दोस्तों मावरो कैसे ट्रांसफर किया जाता है वो मैं अभी आपको टेक्निकली सिखा रहा हूँ। यहाँ पे सर्किट का पेयर है बीटीसी, बीटीसी का सिलेक्ट किया, यहाँ पे ट्रांसफर का बटन आ रहा है, ये ट्रांसफर पे क्लिक किया। यहाँ पे ये पूछ रहा है सिस्टम कि आपको कौन से सेक्शन से कौन से अकाउंट से ट्रांसफर करना है, तो मावरो कार्ड से ट्रांसफर करना है बराबर है ना। तो मावरो कार्ड पे क्लिक किया, अमाउंट कितना है 0.023 बराबर, यहाँ पे सेंड कर दिया। रिसीवर कार्ड नंबर ये वहां पे कॉपी किया और कार्ड नंबर पेस्ट कर दिया और टैप मारा तो नाम आ गया बराबर। ये कार्ड नंबर और नाम दोनों वेरीफाई करना है फिर ही आपका पिन डालना है। अगर ये नाम वेरीफाई नहीं, नाम और कार्ड नंबर मैच नहीं हुआ तो आपका पिन डालना नहीं, नहीं तो गलत कार्ड पे चला जाएगा ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे नाम नहीं आया ना तो इसका मतलब ये कार्ड नंबर गलत हो चुका है, नाम और ये दोनों देखते हैं। तो अभी आपका नाम बराबर है, कार्ड नंबर बराबर है, नाम बराबर है, यहाँ पे जो पिन है ये इस आईडी का पिन डाल दिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे ट्रांसफर पे क्लिक किए हो गया अमाउंट ट्रांसफर सक्सेसफुली, ओके बोल दिया। अभी हम आपके आईडी पे दूसरे ब्राउजर में चले जाते हैं। हाँ जी इसमें आ गए, अभी इसमें ये बैलेंस आ गया आपके, इसमें यहाँ पे दिख भी जाएगा आपको। यहाँ पे आप जैसे मावरो में जाएंगे और मावरो बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो वो बैलेंस दिख जाएगा। ये देखो सर आपके ट्रांसफर में आ गया 0.023 मावरो, बिल्कुल आ गया सर आ गया। अभी जाना है डैशबोर्ड के ऊपर, सिंपल है, डैशबोर्ड के ऊपर जाना है। ये बहुत अच्छा है, करने के बाद में पता चलता है ये। सो सर अमेजिंग अमेजिंग सिस्टम और न्यूज भी है कि अभी तो नेक्स्ट वीक में हमारा एक्सचेंज भी आ रहा है विद इन वन वीक पी2पी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, एक्सचेंज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं ना सर, किधर सब इधर पे ही पूरा कम्युनिटी में एक्सचेंज कर सकते हैं। ये देखो सर यहाँ पे क्लिक कर दिया, इसी चीज की कमी थी सिस्टम में, वो भी पूरी हो गई, वो भी पूरी हो गई, सही बात है सर। ये देखिए सर आई कम्प्लीटेड दिस पेमेंट बाय मावरो पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे चले गए, यहाँ पे ट्रांसफर मावरो पे क्लिक किया 0.03 और ये सबमिट फॉर कन्फर्मेशन जो बटन है ये बटन पे हमने प्रेस कर दिया। ओके ऑर्डर कन्फर्म सक्सेसफुली, यहाँ पे मैंने ओके बोल दिया। देखिए सर सिंपल हो गया सर, आपका यहाँ पे आईडी ग्रीन हो गया, कोई माइनर का लपड़ा नहीं है, कोई गैस नहीं, कोई कंजेशन है, कोई टेंशन नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया है सर, इजी गोइंग हो रहा सर, बहुत इजी हुआ ना, फास्ट हुआ ना सर, एकदम फास्ट है। तो ग्रीन भी हो गया, ग्रीन भी हो गया, वो माइनर आएगा, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन करेगा, उसका चार्ज लेगा वेरिफिकेशन का, फिर करेगा, ऐसा कोई कुछ कुछ झंझट नहीं। माइनिंग चार्ज निकल गया, बहुत अच्छा होगा सर, माइनिंग चार्ज निकल गया सर, बहुत बहुत वाकई काबिले तारीफ सिस्टम बना है। ये जो टीम है इतना अच्छा काम कर रही है, इतना डेवलपमेंट है, हर प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन निकाल कर आगे जा रहे हैं सर, यही इसकी खासियत है, इसकी वजह से इसका फ्यूचर बहुत बहुत ब्राइट है सर। यस सर बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आप टीचर, यस सर आप टीचर होने के नाते यहाँ पे विद्यार्थी है सभी, कुछ मैसेज आप देना चाहते दे सकते सर आपको यहाँ पे, गेट लेना चाहूंगा कि बस सीखते रहे, सिखाते रहे और मदद देते रहे। बहुत बढ़िया सिस्टम है और इसके ऊपर भरोसा कीजिए, भरोसा सबसे बड़ी चीज है आज, सबसे बड़ा जो चीज है भरोसे के ऊपर दुनिया चल रही है, भरोसे के ऊपर सिस्टम हमें भरोसा भी देगा और खुशियां भी देगा। सही बात है, बिल्कुल, कोई झिझक मत कीजिए, अपने दिल के अंदर डर मत रखिए, सिस्टम पे भरोसा रखिए, सिस्टम में भरपूर देगा हमें डेली का 1% ग्रोथ, किसी सिस्टम में हमें आज तक नहीं मिला, कहीं पर भी नहीं मिलेगा और यही पर मिल रहा है। बहुत बढ़िया बढ़िया सिस्टम है, यही हमें कहना चाहूंगा, जो नए लोग आ रहे हैं ज्वाइन हो रहे हैं उनसे कहूंगा अपने दिल में डर खौफ बिल्कुल निकाल दीजिए, सिस्टम पे भरोसा कीजिए और मदद कीजिए और मदद लीजिए और खुशियां बांटिए, खुशियां बिखेरिए बस। यस सर, यस सर, खुशियां दीजिए, खुशियां आएगा। यस सर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम सर, वेलकम जी जी सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा सर आपने शेयरिंग किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। अतुल उपाध्याय सर कुछ शेयर करना चाहते हैं सर, हैंड रेज किए, अतुल उपाध्याय सर आपके वहाँ पे स्टे अनम्यूट का बटन है, कुछ पूछना चाहते हैं सर, कुछ शेयर करना चाहते हैं, अतुल उपाध्याय सर आपके वहाँ पे स्टे अनम्यूट का बटन है, शायद नेटवर्क का इश्यू आ रहा है या तो गलती से हैंड रेज हो गया पता नहीं। तो अगले हमारे शेयरिंग के लिए ले लेते हैं हिमांशु नायक सर।
हिमांशु नाइक सर आप कुछ पूछना चाहते हैं? यस सर, मॉरो मॉर्निंग हिमांशु सर। मॉरो मॉर्निंग हिमांशु सर, बोलिए सर, कैसे हैं आप? सर ऐसे, आप कैसे? एकदम बढ़िया सर, ग्रेट, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बल्ले बल्ले, ऑसम। मावरू की कृपा है सर, मावरू जी की कृपा है सर की, मावरू जी उनका आशीर्वाद। अरे वाह वाह, दो लोग गाइडर बन रहे हैं आपके, अमेजिंग, ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, बहुत बहुत बधाई हो सर आपको, बहुत बधाई हो सर आपको। सर वो जो सिस्टम तो हो गया, ब्यूटी भी उतना एक्सीलेंट हो गया, तो हमारा नॉलेज यहाँ से जो लेगा तो इसके लिए वो बिजनेस के लिए तो आता होगा सबसे, तो ये बिजनेस ऐसा बने के लिए जो प्रॉब्लम जो था मन में उसका वो तरह तरह क्लियर हो जा रहा है। हाँ जी हाँ जी, सही बात ना, न्यू सिस्टम जो ज्वाइन किए थोड़ा थोड़ा डाउट में कर रहे हैं, वो थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाता है आपका वजह से। हाँ जी यस सर, यस सर। प्रॉब्लम जो झूठ हो गया था, जो एक्टिवेशन कार्ड को लोकनाथ दास का जो आपको मेल दिया है, थोड़ा चेक कर देंगे अभी कितना बजे हो गया, क्या हो गया, कैसे जाना। आपने आईडी पासवर्ड भेजा गया चैटिंग में मुझे? अभी अभी छोड़ा है आपका, भेज दिया जस्ट कॉपी कर, मैं ओपन करता हूँ आपका आईडी लाइव, आपके थ्रू सभी को भी पता चल जाएगा कि कैसे ये करते हैं। मैं आईडी ओपन करता हूँ, तो सर ये यहाँ पे आपका 10 USDT का ये आपको ये लगा है, रिक्वेस्ट लगा है, बराबर है सर? ओके, यहाँ पे फिर आप डायरेक्ट जाकर यहाँ पे आई हैव कंप्लीटेड पे क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। एक्टिवेशन मोरो पे क्लिक करके यहाँ पे आपको एक्टिवेशन मोरो सिलेक्ट करना है और सबमिट फॉर कंफर्मेशन का जो बटन दिख रहा है ना सर आपको, ये सबमिट फॉर कंफर्मेशन का बटन आपको दबाना है तो हो जाएगा। अभी आपको पहले ये कार्ड पे एक्टिवेशन मोरो ट्रांसफर करना पड़ेगा, जैसे रात में मैंने आपको बताया ना, आपके कार्ड पे किसी इधर पे ले सकते हैं आप। हेलो सर। हाँ सर, हाँ सर, बोलिए। जो मैं वही एड्रेस में ट्रांसफर कर दिया था $10, जिसको मैं टिकट जनरेट किया था। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, नो प्रॉब्लम, एक मिनट रुको रुको। अच्छा आपने वो देखा नहीं, एक्टिवेशन मारो डायरेक्ट ये एड्रेस पे ट्रांसफर कर दिया, उसका हैश कोड डाल दिया आपने सपोर्ट में, टिकट जनरेट कर दिया था। ओके ओके, यहाँ पे आपने डाल दिए, ओके ओके रोहन, ठीक है, ये हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपने टिकट जनरेट किया, यहाँ पे रिप्लाई आ जाएगा सर, कुछ दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा सर, टिकट यहाँ पे जनरेट कर दिए। ओके सर, नो प्रॉब्लम, ये हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं। ओके, मैंने यहाँ पे टिकट जनरेट कर दिया, वेट फॉर, यहाँ पे आप एक 12 घंटे से एक जो एक 24 आवर वेट कीजिए, उनका रिप्लाई आएगा 24 आवर में, विद इन रिप्लाई आ जाता है सर इनका। और आपने जो पेमेंट किया, ये पेमेंट का प्रूफ भी डाला है ना आपने यहाँ पे, जिससे तो ये आपका ये हैश कोड डाला है, तो आपका जो यहाँ पे ये है पेमेंट, ये हो जाएगा, दिस इज पेमेंट प्रूफ, ये हो गया, हाँ तो हो जाएगा सर, ये पेमेंट प्रूफ डाल दिया है तो वो देखेगा, शेयर और कर देगा सर, है 24 आवर में हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। ओके सर, और कुछ पूछना चाहते हैं सर, और कुछ शेयरिंग करना चाहते हैं? आप इतना बड़े लेवल पे अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छे तरीके से बहुत अच्छा डेवलपमेंट आप कर रहे हैं, तो आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं सारे वर्ल्ड से, कम्युनिटी आपको, सारे ऑरिडियन फैमिली मेंबर सुन रहे हैं, तो आप शेयर कर सकते हैं सर? वो सिस्टम तो सबके लिए अच्छा है, जो आएगा, जो अभी जो परिस्थिति कोरोना वजह से जो प्रॉब्लम है, जो समस्या, समस्या के लिए सब समाधान करने के लिए यू ट्रिपल एन ग्लोबल खड़ा हुआ है सबके लिए। तो बिजनेस प्लानिंग को से जो प्लानिंग को जो समझेगा वो अच्छा होगा, वो नहीं तो समझेगा तो धीरे धीरे इसको ट्राई करेगा कैसा है क्या है, ऐसे धीरे धीरे आ रहे हैं बिजनेस। हाँ, यहाँ पे कम्युनिटी मैनेजर बनना है, मैनेजर बनाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे इनवाइट करना है ताकि सीखेंगे, जूम में सीखेंगे ना, हर कोई जूम में सीख रहा है और वो बिजनेस घर में बैठ कर अर्निंग कर रहा है, और क्या चाहिए, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे, वो जैसा बॉडी का ग्रोथ जैसा होगा उसको इनकम भी बढ़ता है, जो खुद का इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका परिवार चलाने के लिए, फैमिली मेंटेन करने के लिए अच्छा है सर, सबके लिए अच्छा है,
और ट्रिपल एम ग्लोबल इज द बेस्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड जी यस यस सर बहुत बढ़िया सर बहुत अच्छा लगा कि आप आए शेयरिंग के लिए आप मैनेजर बन रहे हैं और इतना काम कर रहे हैं बड़े लेवल पे बहुत ही अच्छा लगा सर सो थैंक यू सो मच हिमांशु सर आपने शेयरिंग किया और बताया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर से जो ट्रेनिंग दे रहे हो ना वो ट्रेनिंग सब मेरा जो सिस्टम को आ रहे सब पॉजिटिव हो जाते हैं सिस्टम की जो ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आप ही वो सिस्टम के लिए गा रहे हैं हमारे बेटे अरे थैंक यू सो मच सर मैं तो बस एक ट्रेनर हूँ और सेवक हूँ जो सरगी मौर्य जी की आइडियोलॉजी मुझे पसंद बहुत अच्छी लगी और उनकी आइडियोलॉजी पे मैं चल रहा हूँ और मेरे जैसे कई मौर्यडिन हैं जो सरगी जी की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं उनके विचारधारा को स्वीकार उन्होंने किया है हर कट्टर मौर्यडिन है वो तो ये ज्ञान देने का काम करते रहना है सर सिखाने का सीखना क्योंकि सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे ये एक नारा है सर अपना इसलिए सभी मौर्यडिन फैमिली को हम सिखाते हैं और बहुत आनंद क्या लगता है सर कि इतने लोग आज पूरे वर्ल्ड वाइड जुड़ते हैं और सीखते हैं विद फैमिली घर में बड़े स्क्रीन पर बोलते हैं कि सर आपके जूम के जो प्रोग्राम थे वो हमारे हम घर में टीवी का सेशन टीवी का कोई सीरियल रहा तो वो बंद कर देते लेकिन आपका जो प्रोग्राम है वो पूरे स्क्रीन पे हम लाइव सुनते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है और सीखते हैं विद फैमिली सीखते हैं बोलते हैं क्योंकि ये फैमिली है अगर किसी एक बंदे को नहीं समझ में आएगा तो दूसरा बंदे के दिमाग में जल्दी आएगा तो वो हमें समझा कर बता सकता है इसलिए हम सभी लोग आठ आठ दस दस लोग घर में बैठकर देखते हैं तो बहुत आनंद लगता है कि लोगों ने इतना सीरियसली इस कम्युनिटी के साथ आज लोग जुड़े वर्ल्ड वाइड पूरे वर्ल्ड वाइड जैसे आज हमारे टीमों में बहुत से लोग जो है ऑल ओवर वर्ल्ड से जुड़े हैं इंडोनेशिया से दुबई से कतर से और सऊदी से अमेरिका से है लंदन से है पूरे वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी आज यहाँ पे हमें देखती है सुनती है और इसका बेनिफिट लेते हैं और खुद फोन करके बोलते भी है कि धन्यवाद कि इतना अच्छा मेरा नंबर भी मिलता नहीं लेकिन जाने कौन से ग्रुप में जाकर मेरा नंबर ढूंढ कर निकाल के कॉल करते हो सिर्फ धन्यवाद बोलने के लिए कॉल किया बोलते हैं कि सर आपने जो बताया इसकी वजह से हमने डिसीजन लिया और हमें इतना अच्छा इनकम घर में बैठे बैठे आ रहा है मैं बोलता हूँ कि आपको धन्यवाद आपने किया इसलिए आ रहा है अगर नहीं करते तो कुछ भी नहीं आता क्योंकि यहाँ पे करने वालों को मिलता है सिर्फ देखने वाले और सोचने वाले को कुछ नहीं मिलता हाँ बोला सर सही बात है ये भी अच्छी बात है तो और वो क्या किसको मालूम नहीं था करेंसी क्या जो हमारा क्रिप्टो करेंसी क्या किसको भी मालूम नहीं था वो चला तो सीखता है सर सबको जो क्रिप्टो करेंसी क्या एक चीज है किसको मालूम नहीं था सर हम ट्रिपल में ग्लोबल में सिखा दिया तो मारो क्या है मारो कौन क्या है और टू बी ऑनेस्ट सर टू बी फ्रैंक जिंदगी में पहली बार बिटकॉइन क्या रहता है ट्रिपल एम ग्लोबल ने हमें सिखाया सरगी मौर्य जी लाइव आए और ट्रेनिंग में बता दिया कि आने वाला भविष्य क्रिप्टो करेंसी डिजिटल टेक्नोलॉजी का है इसलिए हम ट्रिपल एम में बिटकॉइन ईजाद कर रहे हैं ऐसा उन्होंने जब कहा तो लोगों को पता भी नहीं था कि ये क्या रहता है कैसे रहता है तब भी हमने बिटकॉइन का ज्ञान वहीं से हमारा शुरू हुआ सर वहां से जर्नी क्रिप्टो इंडस्ट्री की शुरू हो गई तो ट्रिपल एम मौर्य कम्युनिटी बहुत कुछ सिखाती है सर बस सीखने के लिए रेडी चाहिए और क्या ये चीज है ओके सर थैंक यू सो मच हिमांशु सर आपने बहुत अच्छे शेयरिंग किया बताया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका ऐसे आते रहिए पूरे टीम के साथ में लेकर आते जाइए आप मैनेजर बने आपके नीचे के भी दो लोग मैनेजर आज बन रहे हैं ना जी सर आज वेरी गुड बहुत बहुत बधाई हो सर आपको बहुत बहुत बधाई हो ओके थैंक यू सो मच सर धन्यवाद हिमांशु सर उड़ीसा से है अतुल सर कुछ पूछना चाहते हैं हैंड रेज किया है अतुल उपाध्याय सर अच्छा चैटिंग में क्या बोला हाँ लॉन्ग लिव एमएमएम ग्लोबल थैंक्स सर वेलकम लॉन्ग लिव एमएमएम ग्लोबल यस सर अगले हमारे शेयरिंग के लिए लेते हैं भानुदास डोलस सर कुछ शेयर कर हेलो यस सर हाँ नमस्ते सर नमस्ते सर नमस्ते सर अभी जो ट्रोन का रेट अभी कम होगा क्या बढ़ जाएगा अभी क्या लगता है आपको आपने तो भविष्य ही पूछना पूछा मुझे देखिए सर क्रिप्टो करेंसी मार्केट या ट्रोन का रेट रहे या तो इथेरियम या तो बिट कोई भी रहे ये वोलेटाइल रहता है इसका हाँ। रेट बढ़ेगा या कमी होगा एग्जैक्ट दुनिया में कोई नहीं बता सकता लेकिन जहां तक एक्सपोर्टों का मानना है लॉन्ग टर्म में बढ़ता है शॉर्ट टर्म में कम आ सकता है क्योंकि बड़े बड़े ट्रेडर रहते हैं वो ट्रेडिंग के लिए बैठे हुए रहते हैं ना तो वोलेटाइल ऊपर नीचे चालू ही रहता है सर वो ये चीज है मतलब ट्रोन में करेंगे तो नुकसान तो नहीं होगा ना ज्यादा नहीं ज्यादा नुकसान भी हो सकता है और प्रॉफिट दोनों भी हो सकता है क्योंकि रेट ऊपर नीचे होना मार्केट पे डिपेंड करता है अभी 2 रुपए रेट है ना अभी 2 रुपए रेट है
तो खेलने के लिए वो अच्छा है ना, मतलब ट्रांसफर करने में भी आसानी। अच्छा है, अच्छा है सर, अच्छा वो तो चीज है। देखो उसकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है और आने वाला फ्यूचर जो बहुत बढ़िया उन्होंने किया है कंजेशन का, या तो प्रूफ ऑफ स्टेक पे वो चलने वाला सिस्टम है, तो टेक्नोलॉजी उनका बहुत अच्छा है। और रही बात आपने पूछा कि इसमें रेट बढ़ेगा क्या कम होगा, वो आने वाला फ्यूचर ही बता पाएगा। लेकिन जहां तक हमें जो यूज करना है वो यूएसडीटी करना है, क्योंकि यूएसडीटी में क्या होता है रेट ऊपर नीचे नहीं होता हमें, इसलिए यहाँ पे जब हम यूज करते हैं तो हमें यूएसडीटी यूज करना अच्छा रहता है। क्योंकि यूएसडीटी का क्या होता है ना सर, यहाँ पे रेट जो रहेगा जब आप प्रोवाइड कर रहे हैं अकाउंट, तो यूएसडीटी टीथर यूज करना है। ये तो टीथर का ही टोकन है, जैसा ट्रॉन का ही ये टोकन है यूएसडीटी, TRC20 का टोकन बोलते हैं इसको। इसका रेट कम ज्यादा नहीं होगा, इसका रेट हमेशा स्टेबल रहेगा, तो ये करना बेनिफिट रहेगा यूएसडीटीथर, ये करना बेनिफिट। क्योंकि ट्रॉन किन के लिए अच्छा है, जो लोग क्रिप्टो का होल्डिंग जानते हैं, जो लोग ट्रॉन का ताकत जानते हैं, जैसा आप अभी स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि 2 रुपए आज हुआ है, 2 हफ्ते पहले 3.5 पे चला गया था, 2 पे आया है, 1 रुपए 80 पैसे 82 पैसे पे गया था, वापिस बढ़ना कम होना ये चालू ही रहता है, इसका गुणधर्म ही वही है ट्रॉन का या तो इथेरियम का। लेकिन बहुत से नए लोग रहते हैं जो बोलते हैं हमें अप डाउन का जो प्राइस होता है उसमें हमें नहीं पड़ना, हमें स्टेबल फिक्स चाहिए, तो यूएसडीटी किधर फिक्स रेट रहता है इसका डॉलर के हिसाब से, तो ये अच्छा है सर। और सर 30 दिन के पहले रिकमेंडमेंट करना चाहिए ना, 30 दिन के पहले किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, समझो भूल गए 30 दिन हो गए, कुछ बंदे भूल गए रिकमेंडमेंट करने का, तो आईडी ब्लॉक होता है क्या? नहीं नहीं आईडी ब्लॉक नहीं होता है, वो जब भी वो जाएंगे तो रिकमेंडमेंट कर सकते ना सर, कोई दिक्कत। और पेमेंट ले सकते, बस 30 दिन के बाद ग्रोथ बंद हो जाता है ना। हाँ जी, हाँ जी, ग्रोथ बंद हो जाता है। ओके सर, थैंक यू सर। हमें सभी को क्या सिखाना है सर, जैसे ही यहाँ पे आपके मौरों में ग्रीन दिख गया है, यानी आपका 15 दिन हो गया तो रिकमिटमेंट करना ही करना है, 15 दिन होता है सर, करना ऐसे आदत लगानी है। नहीं वो तो है लेकिन बाय चांस कभी कभी हो सकता है ना सर। हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, ओके सर, 15 दिन का साइकिल ही रन करना है, 15 दिन की आदत लगानी है सर। बराबर सर, बराबर। थैंक यू भानुदास सर, बहुत अच्छे। ओके सर, थैंक यू सर, वेलकम सर, वेलकम, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों यहाँ पे अभी और भी पार्टिसिपेंट ने हैंड रेज किया है, बट टाइम इज ओवर, टाइम यहाँ पे कम है, टाइम खत्म हो गया दोस्तों। 10 से लेकर आज मोरोडियन दत्ता सर ने बहुत अच्छा, डीडी सर ने प्रेजेंटेशन दिया, और यहाँ पे तो यहाँ पे आज शेयरिंग के लिए बहुत से लोगों ने हैंड रेज भी किया है, लेकिन मैं सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी जो भी लोग शेयरिंग करना चाहते हैं वो इवनिंग के सेशन में आइए, क्योंकि समय हो चुका है। आपको और कुछ टेक्निकली पूछना है तो आपके मैनेजर को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या तो इसी हमारे सेशन में आ सकते हैं। यहाँ पे मोहन सर ने बोला है नाइस प्लान, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद मोहन सिंह सर, आपने यहाँ पे जो आज शेयरिंग किया है बहुत अच्छा शेयरिंग किया है। बहुत से लोगों ने यहाँ पे चैटिंग बॉक्स में थैंक यू बोला है, मोरो मॉर्निंग बोला है, और एक जन है डिटेल में, हम बहुत अच्छा लगा डिटेल में लेकर, बहुत अच्छा सर आपने डिटेल्स में सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेट मोहम्मद असलम सर ने ग्रेट सर बोला है, थैंक यू सो मच सर। सभी लोग यहाँ पे, सभी स्मार्ट मोरोडियन ग्रेट है यहाँ पे, जो एक कार्वे को लेकर, एक सिस्टम को लेकर आगे जा रहे हैं और दुनिया बदलने के लिए इस सिस्टम का मैकेनिज्म पे काम कर रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद सचिन राजे सर, जय हिंद। तो दोस्तों जाते जाते सीक्रेट ऑफ सक्सेस में बताना चाहूंगा, बहुत से हमारे फॉलोअर्स हैं जो लास्ट तक रुकते हैं, उनके लिए मैं सीक्रेट ऑफ सक्सेस शेयर करता हूँ, ठीक है ना। और हर बार नया सीक्रेट ऑफ सक्सेस जो खुद उसके ऊपर मैं, जो मेरे जीवन में जो मेरे कामयाबी का राज रहा है, या तो दुनिया के बहुत से सक्सेसफुल लोगों का सीक्रेट्स रहे, वो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ आपको। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ट्रेनर रहने के नाते मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों जीवन में, जिंदगी में हमेशा एक ही चीज करते रहना है हमेशा, कि हमें दूसरों के जीवन में कंट्रीब्यूट करना चाहिए, दूसरों के जीवन में कंट्रीब्यूशन करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बिकॉज योर लाइफ इजंट जस्ट अबाउट यू, आपका जिंदगी, आपका जो लाइफ है वो सिर्फ आपके लिए नहीं है। हाँ, इफ यू वॉन्ट टू बी रियली सक्सेसफुल एंड रियली रिच इन द ट्रूएस्ट सेंस इन दिस वर्ल्ड, यू मस्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू अदर पीपल्स लाइफ। सरगी मौड़ जी भी यही कहते हैं, दूसरों के जीवन में कंट्रीब्यूट कर दीजिए। आज मैं एक ट्रेनर मैनेजर रहने के नाते ट्रेनर आपको जीवन में वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ, आपके जीवन में कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा किया। अब ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो इतना अच्छा मैकेनिज्म आप कम्युनिटी में शेयर करें,
ये आइडियोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी, ट्रिपल एम डिजिटल, ट्रिपल एम ग्लोबल डिजिटल मावरो सिस्टम के बारे में आप लोगों को बताइए दोस्तों, क्योंकि इसका ऐड करने के लिए यहाँ पे ना ही अमिताभ बच्चन जी आएंगे, ना ही अक्षय कुमार जी आएंगे, बराबर है ना। यहाँ पे जो है एक असली सच्चा मावरोडियन ही उसको जो सच्चा एक्सपीरियंस आया, वो सच्चा अनुभव, सच्चा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और एक दूसरे के जीवन में एक बदलाव लाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको फोकस करना है कि कैसे हम दूसरों के जीवन में कंट्रीब्यूट कर पाए। यहाँ पे मैं हर किसी को बोलता हूँ कि टेक्नोलॉजी का यूज करके हम कंट्रीब्यूट कर पाए, क्योंकि मुझे इतने सारे कभी कभी कॉल आ जाते हैं कि आई कांट हैंडल ऑल्सो, बट आई से टू यू कम टू जूम मीटिंग। आप जूम मीटिंग में आइए, आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, जो कुछ भी आपके हर प्रश्न का उत्तर, आस्क मी एनीथिंग, टॉक विद मावरोजी सेशन हमारा रहता है, तो इसमें आप एनीथिंग अबाउट दिस सिस्टम यू कैन आस्क। तो सीक्रेट का सक्सेस दोस्तों आज यही है, फोकस ऑन कॉन्ट्रीब्यूट टू अदर पीपल्स लाइफ। हमें दूसरों के जीवन में परिवर्तन और बदलाव लाना है, उनके जीवन में वैल्यू ऐड करना है। इसलिए आज हम सारे मावरोडियंस, ग्लोबली मावरोडियंस इकट्ठा हुए हैं और एक स्मार्ट मावरोडियन का सिस्टम बोल सकते हैं ये दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे इतना स्मार्ट सिस्टम बनाया है, जितने भी जो एक पुराने ड्रॉबैक थे, प्रॉब्लम थे, सब कुछ निकाल दिए ना, एक्स्ट्रा स्मार्ट मावरोडियन है यहाँ पे, जो खुद मिलकर ये सिस्टम को चला रहे हैं। यहाँ पे कोई ऐसा कोई बंदा चलाने वाला मालिक या तो कंपनी नहीं कि जो ये सिस्टम रन कर रहा है, ना ना ना, ना। यहाँ पे सारे स्मार्ट मावरोडियन इकट्ठा हुए हैं और मिलकर काम कर रहे हैं, तो आप भी कॉन्ट्रीब्यूट कीजिए दूसरे के जीवन में। और एंड कैसे कहा जाता है ना, ऑलवेज एन इंटेलिजेंट पर्सन नोज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, यानी जो एक होशियार लोग रहते हैं उनको प्रैक्टिकल काम करना जानते हैं, और आज यहाँ पे ये सारे होशियार स्मार्ट मावरोडियन प्रैक्टिकली ज्ञान भी यहाँ पे देते हैं, जैसा आज आपको प्रैक्टिकली लाइव दिखाया गया, लाइव ट्रेनिंग प्रैक्टिकल, बिकॉज प्रैक्टिकल नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट देन द बुकिश नॉलेज, जैसा कहा जाए। तो प्रैक्टिकल अनुभव के लोग यहाँ पे आपको सिखाते हैं, और कौन सिखा रहे, आपको कामयाब लोग सिखा रहे हैं। एंड हमेशा ऑलवेज लिसन टू द साउंड एडवाइस ऑफ फाइनेंशियल एक्सपर्ट, यानी आपको जो है इस सिस्टम के जो एक्सपर्ट है उनसे आपको सुनने का मौका आपको मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट में, फ्री ऑफ कॉस्ट में। यहाँ पे कौन किसको क्या कुछ मुझे कई लोग बोलते हैं सर आप टिकट लगाना चाहिए, मैं बोलता हूँ नहीं सर, मैं एक उस पर बिलीव नहीं करता, मैं ज्ञान बांटने पे बिलीव करता हूँ, नॉलेज देने पे भरोसा रखने वाला मैं बनता हूँ, क्योंकि दुनिया में कहते हैं ना, दुनिया में हम जो है एक देने के लिए आए, इसीलिए देने वाले को बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, देने वाले को अध्यात्म में स्पिरिचुअल ब्रांड में देने वाले को देवता कहा जाए। तो क्यों ना हम आज दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाए, दूसरों के जीवन में एक मुस्कुराहट लाए। जीवन तो हम तो मुसाफिर है ना दोस्तों, दुनिया में कोई हमेशा के लिए रहने तो नहीं आया, एक जर्नी, लाइफ इज अ वन जर्नी, तो ये जर्नी है, तो इस मुसाफिर के जर्नी में क्यों ना हम मुस्कान दे दे लोगों को, इनके उनको खुशियां बांटे, उनके जीवन में बेहतरीन और वो कैसे कामयाब हो इसका राह दिखाए, इसका रास्ता दिखाए। तो यही एक कामयाबी के राह में हम चल रहे हैं और चलते चलते जा रहे हैं, तो ये कर रहे हैं। फेसबुक टास्क रिजेक्टेड, एनी आइडिया, टिकट जनरेट कीजिए, संतोष गौरव सर जी आप टिकट जनरेट कीजिए, सीआरओ जो टिकट देंगे, या तो जैसे ही ये हमारे सीआरओ जो ट्रेनिंग को आने वाले हैं वो ट्रेनिंग में हमें बताएंगे कि कैसे ये उसका हम स्पेशल ट्रेनिंग रखेंगे फेसबुक वर्क के ऊपर, फेसबुक टास्क के ऊपर, तो उसमें भी हम बताएंगे सर कैसे करना है क्या करना है, ठीक है ना सर। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर आपको सीक्रेट ऑफ सक्सेस भी शेयर किया आपको, थैंक यू सो मच गुरु सर, कि दूसरे के जीवन में कंट्रीब्यूट कीजिए और प्रैक्टिकली एप्लीकेशन खुद कीजिए, क्योंकि जब तक आप, हमने यहाँ पे मौरुड ने कितना भी बताया, जलेबी बहुत अच्छा है, मिठाई लड्डू बहुत बढ़िया है, आप जब तक आप खाएंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। कहते हैं ना, मैं स्विमर हूँ, जब मैं डेली स्विमिंग को जाता हूँ नदी में, तो नदी में जब तक अंदर जंप नहीं करेंगे तब तक स्विमिंग नहीं कर पाएंगे, पानी के अंदर गए बगैर कभी स्विमिंग नहीं सीख सकते, कभी बुक्स अगर पढ़ेंगे ये स्विमिंग कैसे करना है, हाथ कैसे मारना है, पैर कैसे मारना है, बुक नंबर 1, 2, 3, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आपको पानी में उतर के थोड़े ही धीरे धीरे प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, यानी आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, उसके बगैर सीख नहीं पाएंगे, ठीक है ना। जैसा गाड़ी अगर कोई ड्राइव सीखता है तो कितना भी बोले ऐसा ये पहला गियर ऐसा डालना है, दूसरा गियर ऐसा डालना, नहीं, आपको करना ही पड़ेगा, यू हैव टू डू योरसेल्फ, आपको खुद का ही करना पड़ेगा। और कामयाब लोगों को सुनिए सर, ये 3 मैंने सीक्रेट ऑफ सक्सेस, मैं डेली ट्रिपल एम ग्लोबल में 3 सीक्रेट ऑफ सक्सेस आपको हर सेशन में शेयर करता जाऊंगा, तो मेरे फॉलोअर्स बहुत अच्छा लगता है जब मैं सीक्रेट ऑफ सक्सेस भी शेयर करता हूं, तो क्योंकि ये सक्सेस ऑफ प्रूवन फॉर्मूले हैं दोस्तों वर्ल्ड में कामयाबी के, तो ये फॉर्मूले का बेनिफिट लीजिए, जिस भी बंदे ने आपको यहाँ पे इन्वाइट कीजिए उसको खुद होकर आप कॉन्टेक्ट कीजिए और आज ही जुड़ जाइए, आज का 1% की ग्रोथ खुशी आप लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका जीवन और कोई बदल नहीं सकता, आपका बगैर दूसरा कोई आपका भाग्य बदल नहीं सकता, आप ही आपके भाग्य विधाता है दोस्तों। तो
ये चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं विराम देता हूँ मेरे वाणी को, और मिलते हैं अगले सेशन में। जाते जाते एक बहुत एक अच्छा जो लिखा है हमारे मोरोडन फैमिली ने, वो भी सुनाता हूँ। समझना होगा डॉलर के चाल को, समझना होगा डॉलर के चाल को, युगो युगो के अत्याचार को, गरीबी को और गरीब बनाने की चाल को, समझना होगा स्वर्गीय मौरूडी जी के विचारों को, समझना होगा मावरू की रफ्तार को, और समझना होगा डॉलर के इस चाल को, समझना होगा मावरों की रफ्तार को, समझना होगा मावरू जी के विचारों को। मावरों को अपनाओ, जीवन में खुशहाली बनाओ, आओ हम सब एक बने, नेक बने, एक दूसरे का सम्मान करने, एक दूसरे के जीवन में आर्थिक परिवर्तन और बदलाव लाए। थैंक यू सो मच, क्या बात है, वाह वाह, थैंक यू सो मच। ये हमारे मिर्जा सर है, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों। तो जो भी नए लोग हैं इमीडिएटली जुड़ जाइए, जिस भी बंदे ने आपको जूम का लिंक दिया है, खुद होकर आप उनको कॉन्टेक्ट कीजिए, क्योंकि वो आपका भला करना चाहते हैं। अगर वो आपको कॉन्टेक्ट करते तो आपका नसीब बहुत बढ़िया है। तो जो नेचर दे रहा है, जो ब्रह्मांड आपको दे रहा है, उसको वेलकम कीजिए और बेनिफिट लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं 7 बजे के सेशन में। तब तक आप सभी को धन्यवाद। आपके सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि भर भराटी ढेर सारे मावरों खुशियां अच्छी हेल्थ अच्छी वेल्थ आपके सारे सपने पूरे हो, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ, मिलते हैं 7 बजे। गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू सो मच।